बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? आज बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल और पहले से आपका भरपूर जिसका नॉलेज आपके पास होगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, यानी कि हमारा इंडेस 7। आपने बचपन में जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पढ़ाई करते थे तो वहां पे इसको हम A3 में नाम जानते थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन्होंने नाम चेंज किया हुआ है, ये कहते भैया हम तो इंडेस 7 है, हम इसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कहेंगे। लेकिन एक बात बताऊं मैं सच्चाई ईमानदारी से मेरे बच्चे, इंडेस 7 में और जो हमारा A3 था, A3 और इंडेस 7, इस दोनों में अगर डिफरेंसेस की बात करें ना कि क्या डिफरेंस है, तो मैं कहता हूं कि मुश्किल से अगर 1% भी डिफरेंस आ जाए तो ज्यादा ही कहा जाएगा, मतलब वो बहुत ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब कि 1% का, 1% का टू द मैक्सिमम डिफरेंस है आपका A3 और हमारा इंडेस 7 के अंदर में, बाकी सारी स्टडी आपकी सेम है। अगर पहले से आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझसे पढ़ा हुआ है तब तो वेल एंड गुड, अगर आपने मुझसे कैश फ्लो नहीं पढ़ा हुआ है या फिर आपने किसी और से पढ़ा हुआ है या फिर बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, तो एडवाइजेबल है कि यूट्यूब पे एक वीडियो A3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से मेरा है, आप पहले उसको देख लेंगे। अगर आपने उसको देखे बगैर आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको परेशानी होगी। मैं हमेशा उससे रिलेट करूंगा, इसलिए आपने, मैं ये मानते हुए पढ़ाऊंगा कि आपने कैश फ्लो पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये आपका जो डिफरेंसेज है ना, ये क्या 1% है, वो सब हम डिस्कशन करेंगे आपका। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जी डिफरेंसेज बिटवीन इंडेस 7 और A3। सर ये क्या लिखा हुआ आपने, मत देखो अभी, इसके पास मत देखो मेरे बच्चे। वो पॉइंट्स हैं जिनमें A3, इंडेस 7 या कोई एक इसके बारे में कुछ डिस्कशन करता है, कुछ ट्रीटमेंट बताता है, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी, कुछ नई चीजें मैं आपको बताऊंगा थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों। मैंने आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए जिन पे हम इसका डिस्कशन करेंगे। आइए जरा हम शुरुआत करते हैं इंडेस 7 का। देखो इंडेस 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई, मतलब कैश फ्लो एक अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों प्रेजेंट करते हैं, जबकि हमारे पास SPL है, हमारे पास बैलेंस शीट है, तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आती है? मैं एक बड़ा जेन्युइन रीजन बताता हूँ। इस सारी बातें मैंने थ्योरी के रूप में आपको अपने बुक में दिया भी हुआ है, और जब हम इसकी थ्योरी को दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो वो बातें वहां पे मैं लिंक करूंगा। पहले सुन लो मेरी बात, अभी जो लिखूंगा आपको लिखना नहीं है, इसको भी नहीं नोट डाउन करना, कुछ भी नहीं, बस मेरी बात सुनते रहो, जहां बोलूंगा वहीं पे लिखना है। देखो जब हम बात करते हैं ना, अगर मान लो किसी कंपनी का SPL आपने बनाया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, मैंने कहा कि देखो जी इस कंपनी ने जो सेल्स किया है वो मान लो आपका 90 करोड़ का है। सर हम भी लिखे, ना सुनो तो मेरी बात, 90 करोड़ का सेल किया, इस 90 करोड़ का सेल करने में जो इन्होंने एक्सपेंसेस लगाए, मटेरियल पे, एम्प्लॉयज पे, जो भी खर्च हुआ, वो मान लो यहाँ पे क्या जी इन्होंने 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो जरा बताओ इनका प्रॉफिट कितना हो गया, 50 करोड़। ये कंपनी और इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं बड़े खुश हो गए कि यार 50 करोड़ रुपए हमने कमाया, अच्छा भी लगा सुन के अगर कंपनी आपका उस स्टेज की है तो। लेकिन पता है एक्चुअली प्रॉफिट कितना कमाया इसको जानकर ही खुश हो जाना, इससे कंपनी का फ्यूचर नहीं चलता। मेरे प्यारे बच्चों, कंपनी का फ्यूचर ना प्रॉफिट से नहीं, इससे जो कैश हमारे पास आता है ना, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो हमने ऑपरेशन से बिजनेस करके जो कैश जनरेट किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये हमारे पास कितना आया। एक कंपनी ने सेल तो कर दिया 90 करोड़ का, लेकिन पता चलता कि कैश जो उसके पास आया है, कैश मतलब जो उसने रिकवरी किया, वो सिर्फ अभी तक 5 करोड़ का किया हुआ, बाकी पैसे मार्केट में फंसे हुए, तो बताओ जरा ये कंपनी फिर आगे कैसे बढ़ पाएगी। यानी कि कंपनी की एफिशिएंसी सिर्फ प्रॉफिट से नहीं होता, उस प्रॉफिट का यानी कि आपने जो सेल किया है उसका कलेक्शन वो कैश में कितनी जल्दी और कितनी सेफली कन्वर्ट हो रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मैटर करेगा। यही नहीं मेरे बच्चे, जब ये ऑपरेशन से कैश हमारे पास आता है ना, मान लो इस कंपनी ने क्या किया जो ऑपरेशन से, सपोज दैट कि 45 CR, आप इसके फिगर के अंदर में जाना कि कैसे आया, मैंने कहा कि मान लो उन्होंने ऑपरेशन से 45 करोड़ रुपीज आपका यहाँ पे इकट्ठा किया। जब ये कंपनी को पता होता है कि यार ऑपरेशन से मेरे पास कैश इतना आएगा, तब कंपनी क्या करती है, अब आगे की प्लानिंग करती है कि यार
कैश हमारे पास ऑपरेशन से इतना आ गया, हमें फाइनेंसिंग से, मतलब कि अगर मान लो हमें लगता है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है अभी और अगले साल, मतलब करंट ईयर में मान लो, या अगले साल हमें मशीन खरीदना है जी नया, हमें बिल्डिंग खरीदना है, हमें एक्सपेंशन करना है, हमें टेक्नोलॉजी को चेंज करना है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर उसको करने के लिए मान लो हमें आपका 80 करोड़ रुपीज की रिक्वायरमेंट है, तो 80 करोड़ में जब हमें ये पता होगा ना कि ये 45 करोड़ यहाँ से आएगा, तो मैं इसकी प्लानिंग करता हूँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि बाकी पैसा मैं कहाँ से फाइनेंस करूँगा, शेयर्स कितना इशू करूँगा, डिवेंचर्स कितना इशू करूँगा, बॉन्ड्स कितना इशू करूँगा, मैं बॉन्ड्स इशू करूँ या शेयर्स इशू करूँ, ये सब हमें जानना पड़ता है मेरे बच्चे, सब जानना पड़ता है, तब तो जाके हम प्रॉपर तरीके से कंपनी को चला पाएंगे। आप जरा सोचो, कल को जब आप कल को बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपका मन करता है कि यार मुझे बिजनेस करना है, और आपने एक छोटी सी दुकान से काम शुरू किया, उस समय आपको परेशानी नहीं आएगी क्योंकि आप बड़े आराम से चीजों को मैनेज कर लोगे। लेकिन भगवान करे कि आपने उस बिजनेस को इतना बड़ा कर दिया जहां पे कैश को प्रॉपर तरीके से बिना मैनेज किए बगैर आप एक्सपेंशन प्लान नहीं कर सकते, तो सोचो उस समय कैश फ्लो की कितनी रिक्वायरमेंट आएगी। ये कैश फ्लो क्योंकि हम 2 साल का बनाते हैं, हमें कंपेयर करने में भी फायदा करता है कि यार पिछले साल हमारा कैश का क्या पोजीशन था, इस बार क्या हुआ, कहां कहां से कैश आया, कैसे कैसे, इससे ये बहुत आपको फायदेमंद देता है। इन्वेस्टर्स जो आपके कंपनी का है, वो आप में पैसा लगाए ना लगाए, किस चीज में पैसा लगाए, कैसे लगाए, इन सबकी प्लानिंग होती है कैश फ्लो के बेसिस पे। इतने सारे पैसे हमारे पास हैं, इनसे हमें क्या करना जी, यहाँ यहाँ पैसा लगाना, मतलब हर एक प्लानिंग आपको कैश फ्लो करने में हेल्प करता है। इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नो डाउट कि जैसे हम लोग 2 साल का बनाते हैं आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपका, उसी तरीके से कैश फ्लो का भी हमें 2 साल का बनाना पड़ता है, एक पिछले साल का, एक इस बार का। हाँ, हमने इंडेक्स 1 में आपको बताया था कि अगर मान लो कि आपने क्या किया जी, कि अगर फर्स्ट टाइम आपने अडॉप्ट किया, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया, याद है ना, कुछ एरर आपका हुआ है, तो उससे कैश फ्लो हम 3 नहीं बनाते हैं, कैश फ्लो नहीं मेरे बच्चे, ये तो हमेशा 2 साल का बनेगा, प्रीवियस पीरियड का, यानी कि प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का, याद रहेगी बात आपका, ये सर ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडेस 7 में और एस 3 में एक जो चेंज आपको फॉर्मेट में दिखेगा, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो मेरे बच्चे आपको बताऊं कि ये जब आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं ना, ये मतलब कि इंडेस 7, तो इंडेस 7 कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड जो पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यहां पर होता था, याद कीजिए, वो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इंडेस 7 में कहीं कोई नाम ही नहीं है। और आपको बताऊं यही क्यों, हमने देखा था जी इंडेस 1 में जब प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया था एसपीएल, वहां भी कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का नाम नहीं है। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कुछ अगर होते हैं आपका, वो जिस एक्टिविटी से जुड़े होंगे उसी एक्टिविटी के अंदर दिखाए जाएंगे, कोई अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना, याद रहेगी बात आपको, जिस एक्टिविटी से जुड़ा होगा हम उसी एक्टिविटी में दिखाएंगे, उसका कोई अलग से, जैसे था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको आउटर कॉलम में दिखाना है, ऐसा यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस एक्टिविटी से जुड़ा होगा उसी एक्टिविटी में आप दिखाएंगे, ये बात आप ध्यान रखें। नाउ देखो फॉर्मेट अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल उसी तरीके का देखेगा, यहां भी मतलब इंड एस 7 के अंदर भी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं धीरे धीरे भी आ रहा हूं आपके प्रैक्टिकल अप्रोच के पास। इंड एस 7 में भी आपके पास मेथड्स जो है कैश फ्लो बनाने के 2 हैं आपके, जैसे वहां था, एक आपका डायरेक्ट और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट, दोनों आपका यहां पे दोनों मेथड आपके हैं, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे हम पहले बनाते थे, कुछ फर्क नहीं मेरे बच्चे। लेकिन हाँ, अब ध्यान दो, एस 7 में और इंडेस 7 में आपको एक फर्क नजर आएगा। एस 7 में याद कीजिए आपका जो मैक्सिमम जो जोर था ना बच्चे, वो था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बाय इनडायरेक्ट मेथड। हमारा जो एस 7 है वो कहता है कि भैया इंडेस आपका जो इनडायरेक्ट मेथड है उससे कैश फ्लो को बनाइए, लेकिन पता है इंडेस 7 जो है वो डायरेक्ट मेथड से ज्यादा जोर देता है, बोलता है कि आपको डायरेक्ट मेथड से ही कैश फ्लो बनाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब हम डायरेक्ट मेथड से कुछ दिखाते हैं ना, तो उसमें ज्यादा डिटेल डिस्कशन हो पाता है, ज्यादा डिटेल आपका एक्सप्लेनेशन हो पाता है कि ऑपरेशन के अंदर में, ऑपरेटिंग के अंदर में क्या कैश है, क्या गया। ऐसे आप जानते हैं कि डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, दोनों में डिफरेंसेस कहां पे होता है जी, सिर्फ ऑपरेटिंग इस एक्टिविटी के अंदर। ये दोनों एक्टिविटी तो मेरे बच्चे सब में सेम होते हैं,
तो यहाँ पे भी आपका ये दोनों जो है ना बिल्कुल सेम रहेंगे, झगड़ा वहां नहीं है, इनको लेकर है कि भैया हम इनको जब बनाएं तो आपका डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, तो हमारा एस्त्री क्या बोलता है कि आप इनडायरेक्ट से बनाओ। सेबी जो कंपनीज के ऊपर में रूल्स रेगुलेशन कंट्रोल कर रहा है, मेरे बच्चे जरा बताओ लिस्टेड कंपनी के ऊपर में सेबी ने क्या गाइडेंस निकाला है, वो कहता है कि आप इनडायरेक्ट मेथड से बनाओ, वहां पे इनडायरेक्ट मेथड है। लेकिन इंडेस 7 जो है वो कहता है साफ साफ कि नहीं जी देखो आपको जो कैश फ्लो बनाना चाहिए वो डायरेक्ट मेथड से बनाना चाहिए। अब हम क्या करें, हम तो बच्चे हैं छोटे छोटे, हम लोग क्या करें मेरे बच्चे, आपको दोनों पढ़ना होगा, दोनों मेथड, इंडेस 7 जो बोलता है डायरेक्ट मेथड वो भी पढ़ना होगा, और जो इनडायरेक्ट मेथड आपका सेविक है वो भी पढ़ना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंडस्ट्री में काम करना है और इंडस्ट्री में जो आपको बोला जाएगा सेविक के द्वारा कंपनी लिस्टेड कंपनी को आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए इस झगड़े से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को स्टडी करेंगे, एग्जाम में आ जाए कि किस मेथड को हमारा इंडेस 7 सजेस्ट करता है तो आप बोलेंगे डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट नहीं, ठीक है ना, याद रहेगी बात। और जब भी अगर इसके क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा एग्जाम में बताएगा किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, उससे ही सॉल्व करना है, आपको चिंता नहीं करना, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया दो मेथड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इंडेस 7 किसको फेवर करता है, डायरेक्ट मेथड को आपका, ठीक है ना। नाउ अब देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि आपका इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने लिखा था, यहाँ पे कैश आपको याद है ना, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी को ऐड करके नेट कैश फ्लो आएगा, और उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करके क्लोजिंग कैश एंड कैश। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है मेरे बच्चे, वही जो हम लोगों ने A3 में पढ़ा हुआ है, मैं फिर भी इसका डिस्कशन करा देता हूं, एक छोटा सा चेंज है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, सुनिए मेरी बात। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर बात करते हैं ना, तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक कैश और एक है कैश इक्विवेलेंट। कहा गया है यहाँ पे इंडेस 7 में कि देखो जी कैश की कैटेगरी में क्या आ जाएगा, एक तो कैश इन हैंड आपका हो गया, कैश एट बैंक हो गया, अगर आपका पैसा किसी बैंक में है कैश एट बैंक है ना, उसी तरीके से आपका यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है जिस डिपॉजिट्स को आपने किया है जी एज FD और जब चाहो तब तोड़ दो, आप उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, है ना। उसी तरीके से आपका चेक इन हैंड, अगर कोई चेक्स आपके पास है इन हैंड, चेक इन ट्रांजिट, मतलब ये जितनी चीजें हैं आपका ये सभी के सभी कहाँ कवर किए जाएंगे, कैश के अंदर में। तो फिर कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कहते हैं कि वो अमाउंट जो किसी और फॉर्म में है बट रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश है विदाउट एनी लॉस इन वैल्यू, जिस पैसे को आप जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या एक गिवेन टाइम पीरियड पे जो श्योर हो आप उसको उस टाइम पे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट एनी लॉस इन वैल्यू, बिना उसके लॉस इन वैल्यू में, मतलब उसमें कोई पेनल्टी आपको नहीं पे करना, कोई आपको चार्जेज उसको नहीं पे करने, जैसे कि हमें यहां पर बोला गया है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब हो गया वो इन्वेस्टमेंट्स जो हम लोगों ने किया है जी फॉर लेस देन 3 मंथ्स, वो इन्वेस्टमेंट जो कि 3 महीने या उससे कम के लिए किया गया है, 3 महीने से कम के लिए, ये 3 महीने का पीरियड कब से काउंट किया जाएगा, क्या जिस दिन हम लोग जिस दिन हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उस दिन से काउंट किया जाएगा या फिर किसी और दिन से। कहते हैं कि भैया कैश इक्विवेलेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है जो कि 3 महीने से कम पीरियड के लिए आपने लिया हुआ है और इसकी काउंटिंग फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन देखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन बनेगा, अभी कराऊंगा भी, कि आपका कैश इक्विवेलेंट में जब आप कहते हो कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये सब ये कब से, ये 3 महीने का जो पीरियड है वो कब से काउंट किया जाएगा, वो कहते भैया ये 3 मंथ्स की काउंटिंग इस डेट से नहीं, यानी कि ये मत सोच लेना कि जिस दिन हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उससे अगले 3 महीने के अंदर में अगर कैश में कन्वर्टेबल होगा तो हम उसको कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे, ना मेरे बच्चे ना, वो कहते हैं फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि ये मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये जिस दिन आपने एक्वायर किया था उस दिन से 3 महीने के अंदर में ये कैश में कन्वर्टेबल होना चाहिए। क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता नहीं करो, बस सुनते चलो मेरी बात ध्यान से। तो ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कैश है जी और ये कैश इक्विवेलेंट है। अगर एग्जाम में आ जाए राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन कैश तो आपको इनके बारे में बताना है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन कैश इक्विवेलेंट,
एज पर इंडेक्स 7, तो फिर आपको इनके बारे में कहना है, यानी कि वो सिक्योरिटीज जो हमने परचेज किया है, जो हमने हेल्ड किया है, और वो कन्वर्टेबल इनटू कैश है विद इन अ शॉर्ट पीरियड. वो पीरियड क्या, शॉर्ट कहा जाएगा लेस देन 3 मंथ्स. और ये 3 मंथ्स कब से काउंट किया जाएगा, फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. क्लियर रहेगी बात? ये सर एक फर्क जो आपका A3 में और इंडेक्स 7 में है, वो है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट को लेकर. याद कीजिए, बैंक ओवरड्राफ्ट जब हमने A3 में पढ़ा था मेरे बच्चे, तो इसको हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाया था. हमने कहा था भैया ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या, पैसा मार्केट से इशू करने का, मतलब लोन लेना, उसका एक तरीका आपका होता है. तो हमने कहा था कि इसको फाइनेंसिंग में दिखाओ. इंडेक्स 7 कहता है कि नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा. अगर आप इसमें बैंक ऐड कर रहे हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो क्या होगा जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, ये भी क्या, आज बैंक ओवरड्राफ्ट है, पैसा बैंक में जमा किया, फिर पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया, फिर निगेटिव, मतलब ये कहते हैं कि ये कैश का ही फॉर्म है, ये कैश का ही फॉर्म है जो बिजनेस में आपका क्या हो रहा है कि फ्लो कर रहा है यहाँ पे. तो वो कहते हैं कि देखो जी, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होगा ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, हम यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही मानेंगे. किसने कहा? इंडेक्स 7 ने. तो हमें करना क्या होगा, अगर बैंक है तो इसमें प्लस हो जाएगा जी, और बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो हम इसमें माइनस कर देंगे. मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बना के रखे हुए, हम वहां उसका डिस्कशन करेंगे. याद रहेगी बात? ये सर. तो हमने बता दिया दो बातें यहां पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लेकर. एक तो 3 मंथ्स की काउंटिंग फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट जो होगा दैट विल बी पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट विल नॉट गो टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है? ये सर. अब यहां पे सवाल उठता है एक चीज और आपका, कि सर ये जो आपने कहा कैश एंड बैंक, तो ये कौन से बैंक की बात कर रहे हो, कौन से बैंक का? और आप कहते हो डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट्स भी कहां पे, मतलब ये कौन, एक्चुअली डिमांड इस बैंक में ही होता है ना, तो आप कौन से बैंक की बात करो, क्या ये बैंक इंडिया में हो या इंडिया से बाहर ये बैंक हो या दोनों हो, कहां? मेरे बच्चे कहते हैं कैश एंड बैंक. बस हमने कहा ना बैंक, वो बैंक इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, वो बैंक आपका मान लो कि फॉरेन कंट्री में आपका हो रहा है, या फॉरेन कंट्री का कोई बैंक है उसका ब्रांच इंडिया में है, या इंडियन कोई बैंक है उसका ब्रांच इंडिया से बाहर है, कहीं भी अगर बैंक में आपने पैसा रखा हुआ है तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो कहेगा कि भैया कैश डिपोजिट इन टू ए बैंक ऑपरेटिंग आउटसाइड इंडिया, बताओ कहां जाएगा ये? तो आपको समझना, इट्स ए पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. आप सुन लो मेरी बात ना. तो ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मानते हुए हम क्या करेंगे, ये सभी के सभी आपके ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट बनेंगे. एक और बात आपके लिए मैं बता दूं, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना बच्चे, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो स्टडी कर रहे हैं, ये क्या स्टडी कर रहे हैं, फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि भैया मैं ऐसे समझाता हूं, आपको ज्यादा क्लियर होगा, अदरवाइज इसका लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल है, आपको परेशानी होगी, मैं बताऊं क्या. मान लो मेरे पास आपका 1 जनवरी 2021 एंड 31 दिसंबर 2020, लिखना नहीं, बस मेरी बात सुनना है, मेरे पास कैश है 5000, मेरे पास बैंक है यहाँ पे जी 8000, मेरे पास यहाँ पे डीडी है, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट जो भी आप देखे मान लो 10000 का है ना, तो टोटल कितना आपका हो गया, ये हो गया आपका 18 और 23000. यहाँ पे मेरे पास कैश था 4000, बैंक हमारा मान लो हो गया 9000, और एंड में डिमांड डिपॉजिट मान लो कि आपका यहाँ पे 10000, कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो गया 23000. थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि ये आपका 10 ही रहने दो, इसको कर देता हूँ मैं आपका कितना कर दूँ, चलो 19000. ठीक है ना, तो कितना हो गया 33000. मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये स्टडी करता है कि 23 जो आपका 33 हो गया इसके पीछे क्या रीजन है, कैसे हुआ, और फिर वो इस रीजन को, ये जो आपका 23 से 33 हो गया, इन रीजन्स को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी. समझो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इनके फ्लो को स्टडी करता है, ना कि ये 5 से 4 हो गया जी, आपका 8 से 19 हो गया, 10 से 10 ही रहा,
तो इसके रीजंस क्या हैं उनको स्टडी नहीं करता। मतलब हमने कैश का पैसा बैंक में जमा कर दिया, ओहो अरे फ्लो हो गया, कैश से कम हो गया, बैंक बढ़ गया, ना 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 ना, ना। ये काम नहीं करना, इससे क्या फायदा। अरे हम तो कलेक्टिव देखते हैं कि 23 और 33 जो चेंज हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है। मेरे कहने का मतलब है कि जो एलिमेंट्स, जो पार्ट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उनका जो मूवमेंट हो रहा है, हम उनके बीच के कैश फ्लो की स्टडी नहीं कर रहे हैं। हमारा फ्लो इसके और इसके बीच का जो हो रहा है उसको स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम तो कलेक्टिवली इन दोनों का जो फ्लो है इसका रीजन क्या, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। याद रहेगी बात आपको? ये सर, सर ये मतलब क्यों बता रहे हो, तो हम बचपन की बात है तो हम सब कुछ जानते हैं, मुझे पता है मेरे बच्चे आप जानते हैं, लेकिन इंड7 ने खासकर जोर दिया, आपके इंस्टीट्यूट ने जोर दिया है कि हमारे बच्चों को ये बात पता होना चाहिए, हम एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप जरा देखो, अगर मैं अगर ना भी पढ़ाता और मैं बस ऐसे 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 दो तीन बोलता यार ऐसे ऐसे चीज है और कुछ भी नहीं, तो भी आप समझ गए होते क्या क्या। एक तो आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डाला गया है, ये हेल्ड फॉर लेस देन 3 मंथ्स एंड फ्रॉम डेट ऑफ दैट एक्विजिशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द थ्योरी पार्ट, ये आपको याद रखेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट जो था जी पहले AS3 के अंदर में फाइनेंसिंग में, अब ये कहां जाता आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो भी आपका यहां पे चला जाएगा, ठीक है ना। और तीसरी बात हमने देखा कि हम लोग इंड7 में जो स्टडी कर रहे हैं फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक्चुअली मतलब इसका, हम इनके बीच में आपस में जो बढ़ना घटना हो रहा हम उसको स्टडी नहीं कर रहे, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतना जो है इसको मानेंगे, कोई डाउट नहीं सर, नहीं। आगे बताओ, बस मेरा काम खत्म हो गया है मेरा। अगर देखा जाए इसके अंदर में, तो मैंने आपको कैश कैश इक्विवेलेंट का मतलब बताया सर, लिखे हम लोग कुछ नहीं लिख रहा, थोड़ा ठहरो तो। अरे आधे घंटे बस अपने नींद को रोक लो, आधे घंटे की बात कर रहा हूं, फिर खूब सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए बनाए हुए हैं, थोड़ा ठहरो तो, कम से कम ठहरो तो, सुनो तो मेरी बात। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया ना। अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज बिल्ड फॉर लेट आउट, इसका ट्रीटमेंट इंड7 कहता है कि बच्चों को ठीक से समझा दो, हम एग्जाम में पूछ सकते हैं ये क्या है, और एग्जाम में क्यों, हम रियल लाइफ की बात करें। और पता नहीं इसको अलग से समझाने का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमारे इतने सारे बड़े बड़े बच्चे, आप इतने प्यारे बच्चे, मतलब जो दुनिया का हर एक चीज को जानते हैं, उनको ये क्या समझाना। मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताओ कि क्या इंड7 को इस पे अलग से बात करने की रिक्वायरमेंट थी। मैं यहां लिख रहा हूं, कुछ बना रहा हूं, आप देखो जरा बताओ क्या आपको खुद नहीं पता चलता। ये देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं हूं आपके सर, ठीक ना। मैं यहां पे क्या चला रहा हूं जी, COC एजुकेशन, मैं एक बिजनेस चला रहा हूं जिसका नाम है COC एजुकेशन, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसके साथ साथ मैंने एक प्रॉपर्टी यहां पे ली, एक प्रॉपर्टी हमने यहां पे ली, इस प्रॉपर्टी को जो मैंने लिया, इस प्रॉपर्टी को लेने का जो मेरा मेन मोटिव है, वो है टू लेट आउट। मतलब मैंने क्या किया जी, इसको परचेज किया, मैंने इस बिल्डिंग को परचेज किया इस मोटिव के साथ कि भैया मैं इसको लेट आउट करूंगा, यानी कि मैं इसको आपको क्या बोलते हैं जी, इंटरेस्ट पे किसी को रेंट पे किसी को दूंगा और रेंट या लीज कमाऊंगा मैं इससे। तो मुझे बताओ, ये जो मेरा काम हुआ, ये प्रॉपर्टी जो हमने लिया, ये मेरा इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। ध्यान से हमें यहाँ पे लॉजिक समझना मेरे बच्चे, यहाँ पे है ना, गलत सुन रहा हूँ, कट करना पड़ेगा। जो मैंने परचेज किया, इसका मेन मोटिव क्या है, टू लेट आउट, मतलब मुझे किसी को किराए पे देना है। तो यहां पे आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि ये जो आपने प्रॉपर्टी परचेज किया, बिल्डिंग की बात जो कर रहा हूं, लैंड बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, लेट आउट के लिए, ये आपने कहां दिखाना, क्या ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने में, या फिर आप इसको भी एक ऑपरेशन मानते हुए आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाओ। ये डिस्प्यूट्स, ये झगड़े हमारे बीच में हो सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि यार आपने जो प्रॉपर्टी आपने एक्वायर किया है, इसका मोटिव क्या है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, आप इसको इन्वेस्टिंग में दिखाओ। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं जी, अगर आपने क्या किया, एक बिल्डिंग आपने एक्वायर किया है, तो आपका मोटिव उससे रेंट कमाना है, यानी कि आप एक ऑपरेशन में जा रहे हो। एक 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 कंपनी हजारों बिजनेस करती है,
हजारों काम करती है, तो आप एक और काम करो, इसको ऑपरेशन में दिखाना चाहिए। दो तरीके के बात हो सकता है, हमारा इंड सेवन इस झगड़े को खत्म करता हूं। कहता है कि सुनो जी मेरी बात, कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने एक्वायर किया है फॉर द पर्पस ऑफ, मेन मोटिव क्या है, टू लेट आउट किसी को आपका लीज पे या रेंट पे देने के लिए, तो कहता है कि ये जो आपने परचेज किया ना, इस परचेज करने में जो आपका कैश का आउटफ्लो हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ, कैश जो पैसा गया, इससे जो आपने रेंट रिसीव किया, इससे जो आपका रेंट रिसीव हुआ, और जब प्रॉपर्टी आपने हेल्ड फॉर सेल कर दिया, मतलब आप बोलते हो कि मैं यहां पे क्या करूंगा जी, इसको बेचूंगा, और आपने सोल्ड कर दिया और फिर पैसे आए, ये सबका सबका ये जो ट्रीटमेंट आपका है, ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाना है। ऐसा हमारा इंड सेवन कहता है मेरे बच्चे, यानी कि जहां पे उन्होंने एक्सक्लूसिव कुछ बातें कह दी ना, तो वहां पे हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमें साइलेंट हो जाना पड़ेगा, हमारे डिस्प्यूट्स खत्म हो जाएंगे। और ऑब्वियस बात है, ये इंडेस सेवन को क्यों डाला गया, इसलिए तो ताकि हमारे डिस्प्यूट्स ना रहे दिमाग में। उन्होंने साफ कहा कोई प्रॉपर्टी आपने एक्वायर किया फॉर द पर्पस ऑफ आपका लेट आउट, तो इसका मतलब कि आप एक ऑपरेशन की बात कर रहे हो, और आपको इससे जो रेंट आएगा या जो इसके खर्चे होंगे या इसको बेचा परचेज किया, इससे जो भी पैसा आएगा जाएगा, वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाना है। याद रहेगी बात, ये सर ठीक है। तो ये आपका था प्रॉपर्टीज बिल्ड फॉर लेट आउट आपका। नाउ अब मुझे एक इसके बाद एक क्वेश्चन कराने को सोच रहा हूं, जरा आप आइए बुकलेट के अंदर में आपका क्वेश्चन नंबर वन देखता हूं। ऐसे तो मुझे फर्स्ट पॉइंट के बाद ही करा लेना चाहिए था, बट एनीवे कोई बात नहीं कि इस क्वेश्चन में क्या चीजें निकल के आती है। पढ़ेंगे मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर वन, चेक करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर वन मिल गया आपको, चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर वन क्या बता रहा है। देखो ना, कहता है कि कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरियस एसेट्स हेल्ड बाय कंपनी ऑन 31 मार्च 2021। कहता कि कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस एसेट्स हेल्ड बाय द कंपनी, कई सारे एसेट्स है जो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर गाइडेंस प्रोवाइडेड इन इंड एस सेवन आपका। बच्चे कहता है यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट विथ SBI। देखो अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया विथ SBI और कहता है जरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चेक करना, कहता है कि ये जो आपने फिक्स डिपॉजिट किया है वो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पे है और 3 ईयर्स मेच्योरिटी बता रहा है, मतलब वो आपको 3 साल के बाद मेच्योर्ड होगा। मेरे बच्चे यहाँ पे 3 साल के बाद मेच्योर्ड होगा, इसका मतलब कि रिस्ट्रिक्ट है कि 3 इयर्स के बाद ही वो पैसा आप निकाल सकते हो। अगर आप उसके पहले निकालने की कोशिश करोगे तो कुछ लॉसेज आपको होंगे, हो सकता है पेनल्टी चार्ज हो सकता है कुछ आपका ऐसा। तो ये जो फिक्स डिपॉजिट विथ SBI आपका है ना, ये हम क्या करेंगे, क्या ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा? क्या मैं इसको जब चाहूं तब कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं विद इन आपका विदाउट एनी लॉस इन वैल्यू? नहीं सर, नहीं हो सकता, तो फिर वो यहां का नहीं आएगा। जरा बताओ हमने इतना पढ़ा हुआ है तो ये फिक्स डिपॉजिट में कहां पे दिखाऊंगा? ये फिक्स डिपॉजिट हमारा कहां चला जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हमने इन्वेस्टमेंट किया है ना बच्चे? तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे, यहां पे उसी तरीके से आ जाइए, उसी तरीके से आपका नंबर टू कहता है कि फिक्स डिपॉजिट विथ HDFC, कहता है आगे पढ़ना, ये 10% रेट है, मतलब इस पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ओरिजिनल टर्म कहता है वाज फॉर द 2 ईयर्स, यानी कि ये FD 2 साल के लिए हम लोगों ने किया था। ओरिजिनल टर्म का मतलब होता है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जो पीरियड इसका डिसाइड किया गया था, इट वाज फॉर द 2 ईयर्स, बट ड्यू फॉर मेच्योरिटी ऑन 30th 6 2021। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहता है कि आपका 2 साल पहले तो हुआ था लेकिन मेच्योरिटी डेट आपका 30th 6 2021 हो गया। आप देखो ना, ईयर एंडिंग कब हो रहा है, 31st मार्च 2021, और कहता है कि ये जो आपका मेच्योरिटी है कब है आपका, 30th 6 2021। तो मुझे बताओ इस दिन पे अगर हमारा कैश फ्लो बन रहा है तो जिसकी मेच्योरिटी इस डेट को है, यानी कि लगभग 3 महीने के बाद, 3 महीने के आपका पीरियड में, यानी कि 90 दिन तक, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? तो आपका जवाब है नहीं सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 मंथ्स आपका आज के दिन से थोड़ा ही काउंट होता है। अरे जब हमने उसको एक्वायर किया था उस दिन से 3 महीने के अंदर में अगर वो आपका कन्वर्टेबल इनटू कैश है तो ही काउंट किया जाएगा। सर ये आपका S3 में भी है क्या? वहां भी यही बात है मेरे बच्चे, सब जगह यहीं पे मार्केटेबल सिक्योरिटी जो हेल्ड फॉर लेस देन 3 मंथ्स है, इट इज काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। याद रहेगी बात, ये सर।
हाँ, अब थर्ड पढ़ना ये अच्छा है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड। ध्यान रहे आपके प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, आपने एबीसी लिमिटेड में लिमिटेड के जो प्रेफरेंस शेयर से उनको आपने परचेज किया है, मतलब आपने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है। बात समझ रही ना, हमारी कंपनी की नहीं, हमने किसी और कंपनी के प्रेफरेंस शेयर परचेज किए। कहता है एक्वायर्ड ऑन 31 जनवरी 2021 एंड रिडम्पशन डेट कहता है कि 30 अप्रैल 2021। मुझे पता है मेरे बताने के पहले ही आपका आंसर रेडी हो गया होगा। आप कहना चाहते हो कि सर ये तो आप देखो ना, ये मैंने रखा, मुझे गंदा लगता है इसे, मैं ब्लैक से लिखूंगा। आप मुझे बताओ ईयर एंडिंग कब हो रहा है, 31 मार्च 2021, जैसे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का डेट। ये जो आपने प्रेफरेंस शेयर परचेज किया था कब परचेज किया था, 31 जनवरी 2021 को यहां परचेज किया था, दिस इज डेट ऑफ एक्विजिशन। और कहता कि ये आपका रिडम्पशन इज ड्यू ऑन 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल आपका यहाँ पे 30 अप्रैल 2021। मुझे बताओ ये जो 90 डेज का पीरियड है वो मैं यहां से काउंट करूंगा या फिर यहां से, सर फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन करो ना काउंट, कि यहां से ये कितने दिन होते हैं, जनवरी खत्म, फरवरी का 28 दिन, मार्च का हमारा 31 डेज और अप्रैल का हमारा 30 डेज, कितना हो गया, ये आ गया 88 डेज। अगर 90 डेज या उससे कम में आपका यहाँ पे कन्वर्टेबल इनटू कैश है तो हम क्या करेंगे जी, आपका ये आप यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगा, यही बताया ना। तो क्योंकि आपका 90 डेज के अंदर कवर हो रहा है, इसका मतलब क्या, इट्स ए पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, ठीक है। सर एक चीज क्लियरफाई कर दो कि ये आपका लेस देन 3 मंथ्स है तो उस केस में 3 मंथ्स का काउंटिंग कहाँ होगा, मेरे बच्चे मैंने फिर गलत लिख दिया है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर 3 मंथ्स और लेस देन 3 मंथ्स, मतलब यहाँ पे हेल्ड फॉर 3 मंथ्स और लेस, मतलब 90 डेज या उससे कम। तो 90 डेज के लिए भी अगर आपने एक्वायर किया है फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन तो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर होगा। हाँ 90 डेज से आपका ज्यादा हो गया, 91 92, तो फिर तो वो नहीं कवर होगा इसमें, ठीक है ना। आई बस समझ में? यस सर। अच्छा अब देखो, मैं आपको समझा रहा था वहां पे कि बैंक कौन सा, इंडिया वाला, इंडिया से बाहर या फिर बाहर का, क्या तो कहता है आगे पढ़ना फोर्थ में, कैश बैलेंस एट वेरियस बैंक, कौन सा बैंक, ऑल ब्रांचेज ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। कहता है कि ऑल ब्रांचेज ऑफ ऑल बैंक इन इंडिया, जितने भी बैंक वो इंडिया में है तो कैश एंड कैश का पार्ट होगा जी। अगला पढ़ना, ऑल इंटरनेशनल ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक, तब भी होगा। और अगला कहता है ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक आउटसाइड इंडिया, तब भी होगा, अरे कहीं भी हो। फिर कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ SBI फोर्थ ब्रांच, टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट, टेम्पोररी मतलब वही आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हुआ ना, बैंक ओवरड्राफ्ट आया फिर आपने क्या किया जी, उससे बैंक बढ़ गया, फिर आपका कम हो गया, बढ़ गया, घटना, तो वो आपका इसमें जाता है। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन बोल दे कि बैंक ओवरड्राफ्ट लेकिन आपका टेकन फॉर द पीरियड ऑफ आपका 5 मंथ्स 6 मंथ्स 8 मंथ्स या था 1 ईयर, कुछ ऐसा बोल दे तो बच्चे, अगर वो स्पेसिफाई कर देगा कि एक सर्टन पीरियड के लिए, नॉट फॉर द ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल के लिए अगर है ना, जैसे हम वर्किंग बिजनेस वर्किंग कैपिटल ग्रुप में कैश यूज करते हैं, बैंक यूज करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट यूज करते हैं, तब तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। लेकिन कहता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन फॉर द आपका दिस थिंग, कुछ स्पेसिफिक पर्पस, लगता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट लंबे समय तक चलेगा, तब हम उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं मानते, तब तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। और कुछ ना बोले तो ऑब्वियस बात है कि हम उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेंगे, याद रहेगी बात। यस सर। ट्रेजरी बिल, ये भी क्या, ये आपका कहता जी आपने हेल्ड फॉर 90 डेज मैच्योरिटी, तुमने कहा था 90 डेज या उससे कम, 3 मंथ्स या उससे कम, तो ये भी क्या होगा जी, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही पार्ट होगा। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो ये कोई बड़ी बात थोड़े है, ये तो आप इसको लिख लेना, इसको मैं कराऊं भी क्या, मैंने बता ही दिया आपको यहाँ पे आंसर, है ना, कुछ मजा आया नहीं। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, ठीक ना। ये क्या है, ये एंटिटी में होल्ड सिक्योरिटीज फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ऑब्वियस बात है, यहां भी वही बात, जैसे कि हमने एक बिल्डिंग को होल्ड किया था ना बच्चे अपने लेट आउट करने के लिए, वो कहते हैं कि हो सकता है कि एक एंटिटी ने, बहुत ध्यान से मेरी बात सुना, आपको यहां पे मेरी बात समझनी पड़ेगी, दो चीजें एक्चुअली, ये कैश फ्लो है, जब तक हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे तब तक हमें दिक्कत आएगी, सुनिए मेरी बात। सीओसी लिमिटेड ने
यहाँ पे क्या किया जी, इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किया दो जगह, एक क्या आपका जी इन ए लिमिटेड, ध्यान सुनना आपको लिखना नहीं है, और एक क्या इन बी लिमिटेड, दो जगह इन्वेस्टमेंट किया मैंने। ये जो जो इन्वेस्टमेंट इनमें किया है ना, ये किया है जी इन्वेस्टमेंट फॉर ए सर्टन पीरियड, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और एक इन्वेस्टमेंट मैंने इसमें किया है फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग पर्पस का मतलब हो गया कि मेरा काम वहां पे क्या है जी, इन्वेस्टमेंट को खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। मतलब आप देखो, जब मैं बोल रहा हूं ना बी लिमिटेड के बारे में, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा होगा कि सर एक और साइड बिजनेस कर रहे हैं, साइड वर्क कर रहे हैं आपका, जिसमें बोलते हैं ट्रेडिंग करना। तो मेरे बच्चे, मैं ही नहीं, मैंने तो यहां पे एंटिटी लिखा था, एंटिटी कोई भी हो, इवन एक बैंक भी क्यों ना हो, एक फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होता है वो भी क्यों ना हो, अगर कोई सिक्योरिटीज आपने होल्ड किया है, किस लिए जी, फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग का मतलब परचेज करना सेल करना, परचेज करना सेल करना, वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही कंसिडर किया जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? हमने तो अभी तक क्या सीखा है आपका नॉर्मल तरीके से, कि भैया अगर आपने कोई सिक्योरिटी परचेज की, इट्स योर इन्वेस्टमेंट, बट आप वहां पे इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो। एक्चुअली यहाँ पे इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो ऑपरेशन से पैसे आ रहे हैं, जो कमा के एक्चुअली जो पैसे आ रहे हैं ना, उसको प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करना, या तो आपके फिक्स सेट्स में, या फिर कुछ पैसा बच गया तो हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन ट्रेडिंग करना, हमने ट्रेड शुरू किया सिक्योरिटीज को लेना, खरीदना, फिर आगे बेचना, मतलब ये डेली बेसिस, तो ये इट्स ए सेकेंडरी बिजनेस व्हिच आई एम डूइंग विद माय मेन बिजनेस। तो यहां से भी जो कैश आएगा जाएगा, ऑपरेशन में दिखाना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में। तो आपको फर्क समझ में आया ना, मैंने क्या बताया? यहां पर लिखा था जी, एंटिटी मे होल्ड सिक्योरिटीज फॉर ट्रेडिंग पर्पस, और वो आपका ट्रेडिंग के लिए जो सिक्योरिटीज आपका होल्ड किया जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, ये भी आपका ऑपरेशन के अंदर में ही ट्रेड किया जाएगा। इसमें कोई डाउट? बोलो ना, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अच्छा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो कैश हमारे पास आया, इसको बनाने का हमारे पास कितने मेथड है? 2 मेथड थे। अरे चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेथड आपसे पूछ दे, चाहे कहे कि बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो कैश आया उसको बनाने के आपके पास मेथड्स कितने हैं, दोनों का आंसर सेम ही होगा, 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना बच्चे? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और हाँ जरा बताओ, इंडेक्स 7 कौन से मेथड को फेवर करता है? डायरेक्ट। क्यों फेवर करता है? क्योंकि वहां पे मैक्सिमम डिस्क्लोजर है, मैक्सिमम वहां पे एक्सप्लेनेशन है, वहां पे सारी बातें हमें प्रॉपर तरीके से पता चल रही है कि भैया कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां से नहीं। ये इनडायरेक्ट में हमें चीज दिखता नहीं, वो सब चीजें आपका। तो फिर हम इनडायरेक्ट को भी क्यों स्टडी कर रहे हैं जी, क्यों हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को? इसलिए क्योंकि आपको जानते हैं कि हमारे देश में देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, सेबी जो है कुछ अलग बात कह रहा है, ये कुछ अलग, तो आपको करना पड़ेगा ना। अगर मान लो कि ध्यान देना, हमने इंडेक्स 1 में पढ़ाया था, अगर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं अगर उससे आप डेविएट होते हो, तो डेविएट कब हो गए? इन रेयर सर्कमस्टांसेस, अगर आप इंडेक्स 1 में याद करेंगे आप, तो कि रेयर सर्कमस्टांस के अंदर में अगर लॉ नहीं ऐसा कह दिया, या फिर अगर आप उस इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, उसके किसी पर्टिकुलर डिस्क्लोजर को फॉलो कर रहे हैं, और उससे अगर लॉ ब्रेक हो रहा है, तो वहां पे कहा गया कि रे जी आपको लॉ को ब्रेक नहीं करना है, आप लॉ में जो बात कहा गया है, सेबी ने जो कहा है, आपको फॉलो करना होगा, और इंडेक्स 1 के मुताबिक आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि भैया हमने इसको नहीं फॉलो किया आपका इंडेक्स 7 का, क्यों? क्योंकि ये रीजन आपका है। याद रहेगी बात, आप वहां से लिंक कीजिए, मैंने आपको बताया था। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे, कि आपको बहुत ये कन्फ्यूजन अभी हो सकता है कि सर मैं करूँ क्या, मैं किसको बनाऊं? तो मैंने कहा ना, आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री नॉर्म्स जो होगा उसी को आपको फॉलो करना। हमें तो अभी पढ़ना है कि हमारे पास दोनों तरीके, हमें दोनों तरीकों की स्टडी करना होगा। हो सकता है कि कल को सेबी ने कहा कि नहीं भैया आप डायरेक्ट को फॉलो कीजिए, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसी को फॉलो कर लेंगे, हमें पता होना चाहिए पहले से। हो सकता है कल को इंडेक्स 7 में ही चेंज आ जाए जी, कि नहीं जी आप इसमें क्या करो कि इंडायरेक्ट को फॉलो करना शुरू करो, अभी नहीं है, बट हो सकता है फ्यूचर में, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करते हुए हम उसको चेंज कर लेंगे आपका, है ना। तो हमें पता तो कम से कम होना चाहिए, बात सुना रही मैं क्या बता रहा हूं? हाँ, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया इसके बारे में। जरा आ जाओ, अब हम लोग एक काम करते हैं, मैंने शायद इस पर भी क्वेश्चन आपके लिए बना कर रखा हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे जरा आप आइए एक बार, क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं हम लोग इसमें अब हमें क्या क्या चीज पता चला जी। क्वेश्चन नंबर 2,
पढ़ेंगे आप। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ध्यान से सुनेंगे आप, आइडेंटिफाई विच ट्रांजेक्शन विल बी क्वालिफाइड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो इफ द कंपनी इज इन टू द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग द मोबाइल फोन। बहुत ध्यान से, कंपनी की ट्रेडिंग किसमें चल रही है? मोबाइल फोन में। वो बोलता है जरा बताओ इसमें से कौन कौन सा आपका एक्टिविटी है जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। पहले मैं आपको ये बात बता दूं, इसके पहले कि आपने दोनों मेथड आपने पढ़ा हुआ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना बच्चे। तो अब आपको मैं पढ़ता हूं, जरा बताना आपके मुताबिक किसमें जाएगा। कहता है रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन आपका बिजनेस है, आप उसी में ट्रेड कर रहे हो, तो कहां जाएगा जी? रिसीट्स आपका ऑपरेटिंग में जाएगा। परचेज ऑफ मोबाइल फोन फॉर वेरियस कंपनीज, ऑब्वियस बात है ऑपरेशन है, उसी में जाएगा। इंप्लॉयज एक्सपेंसिज पेड, ऑपरेशन में जाएगा। एडवर्टीजमेंट आपने किया ऑपरेशन में, ऑपरेशन में जाएगा। क्रेडिट सेल्स ऑफ मोबाइल, कहीं नहीं जाएगा। अरे क्रेडिट सेल किया मोबाइल का, ये ICAI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आपके जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहता कि क्रेडिट, अरे क्रेडिट पे सेल करना कोई कैश आना थोड़े होता है, नहीं जाएगा कहीं भी। मिसलेनियस चार्जेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फॉर रिपेयर ऑफ मोबाइल, ये हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग में आएगा। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ओल्ड, मार्केट वैल्यू डिक्रीज कर गया तो इससे हमारा कैश में क्या इम्पैक्ट पड़ा? कहीं नहीं जाएगा। बोल देना कि भाई कोई देयर इज नो एनी कैश फ्लो इन केस ऑफ लॉस ड्यू टू एनी डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, तो नो वे इट विल बी शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, माफ कीजिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अरे पेमेंट टू सप्लायर फॉर मोबाइल फोन, ये जाएगा कहां पे जाएगा? आपको ऑपरेशन के अंदर में। डेप्रिसिएशन कहीं नहीं जाएगा, आप बताओ डेप्रिसिएशन चार्ज करने से कोई कैश का फ्लो होता है? नहीं होता है, तो कहीं नहीं जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ द बैंक, हमने बैंक से कोई कैश क्रेडिट फैसिलिटी लिया हुआ है, ध्यान देना मेरे बच्चे। कैश क्रेडिट का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट ही होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कह दे, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट बोल दे, तो हमने बैंक से कैश क्रेडिट फैसिलिटी लिया हुआ है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट पे बैंक इंटरेस्ट लेगा ना, तो चलो मानता हूं कि ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट बैंक हमसे चार्ज कर रहा है उसका क्या, वो कहां जाएगा? अरे आगे बताता मैं, कहीं मैंने लिखा था, मैंने कहीं लिखा था, मैं देखूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको समझा दूंगा। बट अभी समझ लो कि ये जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, ये इंटरेस्ट पे करना आपका यहां पे क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। आपने बिजनेस को फाइनेंस किया है ना, अरे पैसे लिए ना मार्केट से, तो अगर आपने मार्केट से पैसा लिया है और उस पर कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। समझो मेरी बात, यहां पे ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आपका पार्ट बनेगा, ठीक है? आगे पढ़ना और आपको यहां पे अच्छा एक वर्ड मिल गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर एंड प्रिंटर इन एक्सचेंज ऑफ न्यू लैपटॉप। अरे हमने यहां पे कोई ओल्ड कंप्यूटर को आपका नए से हमने एक्सचेंज किया है, तो कोई कैश का तो आना जाना बताया नहीं। अगर कैश का आना जाना नहीं बताया तो नो वेयर इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एनी वे, रिकॉर्ड नहीं मतलब कहां जाएगा, किस एक्टिविटी में दिखाएंगे, जब कैश ही नहीं फ्लो हुआ तो फिर कहीं नहीं जाएगा। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, अगर हमने कस्टमर से कोई एडवांस रिसीव किया, मेरे बच्चे ऑपरेशन है, ऑपरेशन में जो भी कुछ आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाऊंगा। सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी पेड, जो सेल्स टैक्स हमने पे किया होगा अगर कुछ हुआ तो, एक्साइज ड्यूटी पे किया, कोई भी टैक्सेस पे किया ऑपरेशन से जुड़ा तो ऑपरेटिंग में दिखाएंगे। ऑपरेटिंग में क्या होगा जी? डायरेक्टली बाहर चला जाएगा। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं जो मुझे समझाना है आपको। मैं सोच रहा हूँ ना कि एक बार आपको ऊपर से पढ़ाते हुए बता ही दूँ हम लोग क्या क्या कर चुके और क्या क्या चीजें आपका निकल के आता है, या फिर मैं ऐसे पहले आगे बढ़ जाऊँ, पहले मैं ऐसे बढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है इसके अंदर में, ठीक है ना? क्योंकि एक जगह अब जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और सुनिए मेरी बात ध्यान से। हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है ना, छोटी छोटी बातें एक्चुअली। ये आपका हो गया जी कि कोई आपने प्रॉपर्टी लेट आउट किया तो उसका ट्रीटमेंट मैंने बताया, एंटिटी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर कोई सिक्योरिटी हेल्ड किया है ऑपरेशन के लिए तो ये क्या होगा? ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये भी हमने क्या बोला? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बातें हो गई। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और चाहे आपका कैश फ्लो कह दे, दो मेथड है, डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, कुछ बताए तो ठीक, नहीं तो हम क्या करते हैं ये डायरेक्ट मेथड को हम लेके चलते हैं एज पर इंडेस 7, है ना? यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बोलते कि भैया कैश फ्लो बनाओ एज पर इंडेस 7 मेथड ना बताए, तो डायरेक्ट से हम बना देंगे, बशर्ते कि इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात
मैं यहाँ पे कुछ फिफ्थ और सिक्स पढ़ूं उसके पहले सुन लो मेरी बात, पहले आप दिमाग से सारी बातें अलग कर दो। मतलब भूल जाओ कि कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, भूल जाओ कि कोई ऐसे इंडेक्स को स्टडी कर रहे हो जहां पे हमें दिमाग भी यूज करना है पढ़ने में, एक्चुअली भूल जाओ सब कुछ। कोई नहीं है, कोई नहीं है, बस दो इंसान है पूरी दुनिया में, एक आप और एक मैं। सारे दुख सारे गम जो है ना बच्चे, जितने भी दुख दर्द धोखा पता नहीं क्या क्या आप लोग को लाइफ में मिला है, सब भूल जाओ अगले दो से तीन मिनट के लिए, मेरी बात ध्यान सुनो। आप हैरान हो जाओगे, हम लोग का जो इंड एस है, इंड एस सेवन, वो कहता है कि यार आप जो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाओगे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते से समय मैं आइटम्स को क्या नेटिंग ऑफ कर दूं? नेट ऑफ का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक हमने मशीन बेचा, सेल ऑफ मशीन वन, सर लिखे नहीं लिखना मेरी बात सुनो, मशीन वन को आपने सेल किया 5 लाख रुपए में और परचेज किया ऑफ मशीन टू मान लो 2 लाख रुपए में, तो क्या इन दोनों को अलग अलग दिखाना जरूरी है कैश फ्लो में, या फिर नेट मेरे पास कैश कितना मशीन से गया जी आपका नेट आया 3 लाख रुपए, तो 3 लाख से भी यहां दिखा दो जी सेल ऑफ मशीन आपका, ये भी तो ठीक है। क्या ये अलाउड है कि नहीं है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? हमने एक कंपनी का शेयर्स परचेज किया, मतलब एक कंपनी का शेयर्स परचेज किया, एक कंपनी का डिवेंचर परचेज किया, इन्वेस्टमेंट ही तो किया, क्या दोनों इन्वेस्टमेंट को ऐड करके मैं नहीं दिखा सकता? एक हमने क्या किया जी आपका सपोज दैट आपका कस्टमर को हमने गुड्स बेचा है ना, और कस्टमर को गुड्स बेचा तो हमारे लाखों कस्टमर्स हैं, लाखों जो कस्टमर्स हैं उनसे हमें क्या करना जी, पैसा हमारे पास आया होगा पूरे साल में, तो जितने सारे कस्टमर्स होंगे सबसे जो पैसा आया होगा क्या उन पैसों को इकट्ठा दिखा दूं, या फिर उनका भी नाम के राम से इतना श्याम से इतना इसको अलग दिखाऊं, क्या करूं मैं, कैसे ट्रीटमेंट करूं? मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया सेवन ने बहुत अच्छा काम किया है। पता वो क्या बोलते हैं? वो पहले लाइन में कहते हैं कि नेट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं कैश को लेकर जितने भी होते हैं उन सबको आपको सेपरेट डिस्क्लोज करना है इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। जो आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनेगा सबका सेपरेटर होगा, सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा उनकी ग्रॉस वैल्यू, मतलब आप नेट नहीं कर सकते, ये ग्रॉस इनको अलग दिखाना पड़ेगा, जब तक कि इंड सेवन में नीचे में कुछ नाम लिखे गए हैं अगर आप उसमें कवर्ड नहीं होते हो। मतलब पता उन्होंने क्या क्या एक लिस्ट दे दिया कि देखो जी इस लिस्ट में अगर आप आते हो या फिर आपका एक्टिविटी इस नेचर का अगर है, इससे मिलता जुलता है, तब तो आप नेट ऑफ करके दिखा सकते हो, नेट ऑफ करके दिखा सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें कवर्ड नहीं हो तो आपको सेपरेट सेपरेट दिखाना होगा। दोबारा सुनिए, वो कहते हैं कि सबको अलग अलग दिखाओ, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसके साथ एक लिस्ट दे दिया कि अगर आप इसके अंदर आते हो ना तो फिर आप मतलब नेट करके दिखा सकते हो, एग्रीगेट दिखा सकते हो, अदरवाइज आपको अलग अलग ही दिखाना है। अब मैं इस लिस्ट को आपको बताऊं 5 और 6 ऑनवर्ड पॉइंट्स के अंदर में, उसके पहले मैं आपको खुद बताना चाहता हूं, आपका ही माइंड अपने आप डेवलप्ड हो जाए कि यार इंडस सेवन में यही बातें कही होगी, मैंने नहीं पढ़ा ना आपने पढ़ा, आप भूल जाओ मैंने कहा ना कोई दुनिया में नहीं है, सुनो मेरी बात ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। जरा सोचो, ये जो गुड्स को मैं सेल करता हूं कैश पे, अगर मैं बात करता हूं अपने बिजनेस का, मतलब जब गुड्स में डील कर रहा हूं तब मैं बात करता हूं, मैं कैश पे बेचता हूं, मैं लाखों हजारों कस्टमर को कैश में बेचता हूं, मेरा काम है, तो क्या जितने जितने लोगों को सबको जो हमने बेचा क्या सबका अलग अलग सेल्स दिखाऊं क्या, कैश सेल्स टू राम मोहन, ऐसा ठीक रहेगा? नहीं सर, अगर आप ऐसा दिखाओगे तो क्या हो जाएगा सर, कैश फ्लो का पर्पस खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा आपके लाखों कस्टमर का नाम लिख कर दिखाना ठीक नहीं होगा। इंड सेवन ने कह दिया आप इसको नेट करके दिखा सकते हो, क्या हमें रटना पड़ेगा क्या? नहीं सर। अरे क्रिएटर्स का पेमेंट करना, माफ कीजिए, पहले अभी उसका कैश परचेज किया हमने, गुड्स को कैश पे परचेज किया, मैंने हजार बार परचेज किया, रॉ मेटेरियल ए परचेज किया, बी परचेज किया, सी, क्या मैं सबको अलग अलग दिखाऊं? नहीं, ये तो आपका रूटीन है, फ्रीक्वेंटली बिजनेस में हो रहा है, फ्रीक्वेंट बार बार ये हो रहा है, तो जो बार बार बिजनेस में होगा, आपका गुड्स आया यूज हो गया जी फैक्ट्री में, फिर आपने परचेज किया, फिर यूज हो गया, ये चीज को अगर आप बार बार दिखाओगे अलग अलग तो पता नहीं कितना बड़ा कैश फ्लो बन जाएगा, शायद यहां से लेकर अमेरिका तक इतना बड़ा पेपर लेके बनाना होगा अगर बिजनेस आपका वर्ल्ड में फैला हुआ है तो, ये तो गलत हो जाएगा।
तो जब कैश में परचेज किया उसको भी क्या इकट्ठा देख दो जी, पूरे साल में कितना कैश परचेज हुआ और उसको दिखा दो। डेटर्स हमारे हजारों हैं, उनसे कैश आया है, उन नेट अमाउंट करके दिखा दो कितना हमने कलेक्शन किया। क्यों सबके नाम लिखोगे? अरे क्रिएटर्स को पेमेंट किया, अगर परचेज सिर्फ क्रेडिट पे हुआ है, क्रिएटर्स को पेमेंट किया उसको नेट करके दिखा दो। रेंट में पे कर रहा हूं जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, जो फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं बिजनेस में, मेरी बात समझ आ रही है? तो इनको मैं आपका क्या हर एक महीने का जितना जितना रेंट पे अलग दिखाऊं? नहीं करना, नेट करके दिखा दो आपने एक साल में इतना रेंट पे किया। मेरे पास तीन मान लो बिल्डिंग है, तीनों के ओनर अलग अलग हैं, आपका ए बी सी तीनों को रेंट पे कर रहा हूं, क्या मैं तीनों का अलग दिखाऊंगा? नहीं दिखाऊंगा। एक नेचर के आइटम फ्रिक्वेंटली जो होते हैं हम इकट्ठा करके दिखा सकते हैं। अरे इन डे सेवन ने सिर्फ एक बात कहा है कि आप ना एक काम करो, मकसद समझो मेरा क्या है। मैक्सिमम डिस्क्लोजर, मैक्सिमम डिस्क्लोजर का मतलब उतना डिस्क्लोजर जिससे कि जो इन्वेस्टर्स है ना, स्टेक होल्डर, जो शेयर होल्डर है, उनको समझने में दिक्कत ना हो और सारी बातें समझ में आ जाए। मैं एक बात करता हूँ, आपका बैंक कब आ जाता हूँ, बैंक का, बैंक में आप पैसा जमा करते हो, करते हो ना बैंक में जमा। अब HDFC बैंक ने लाखों करोड़ों कस्टमर से बैंक में डिपोजिट लिया, क्या सबका अलग दिखा है? नहीं दिखाएगा, वो टोटल डिपोजिट दिखा देगा। बैंक क्या करता है जी, लाखों लोगों को कर्ज देता है, बैंक ने लाखों लोगों को कर्ज दिया, तो बैंक जब लाखों लोग कर्ज देगा तो क्या सबका अलग दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। लेकिन मैं अगर किसी को कर्ज देता हूं तो मैं वो काम फ्रिक्वेंटली नहीं करता, मेरा तो काम कर्ज देना नहीं है बच्चे, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका सेपरेट डिस्क्लोजर करूंगा कि हाँ जी हमने आपका रावण को, हमने आपका क्या नाम उसका दुर्योधन को, हमने मतलब जिसको भी हम लोगों ने दिया उसको, हमें तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंक अगर मान लो कि इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, मैंने क्या किया जी, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था और इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया जितना उसको इकट्ठा करके दिखा सकते हैं। बैंक ने क्या किया, बैंक की अगर बात करूं, उन्होंने डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे किया, उन्होंने जहां इन्वेस्टमेंट किया था वहां से इंटरेस्ट रिसीव किया, तो जितना इंटरेस्ट रिसीव किया उसको अलग दिखाइए, जितना इंटरेस्ट पे किया उसको अलग दिखाइए, है ना। जितने लोग हैं उन सबका नाम दिखाना जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। एक और मैं बात करता हूँ, ध्यान देना, बैंक क्रेडिट कार्ड आपको देता है, आपके इंस्टीट्यूट ने बड़ा अच्छा ये एग्जांपल कोट किया है, मैं आपको बताऊं इसको समझाने के लिए। बैंक क्या करता है जी, आपको क्रेडिट कार्ड देता है। अब जो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है, ध्यान सुनेंगे आप, तो क्रेडिट कार्ड से आप क्या करते हो जी, पहले आप वहां पे जहां से बिल स्वाइप करते हो आप, तो आपके यहां पे बैंक ने पे कर दिया, पे किया ना बैंक ने। मैं ऐसे समझाता हूं, ये देखिए आप, ये यहां पे HDFC बैंक है। अब होता क्या है कि अगर आपको, आपके पास क्रेडिट कार्ड है बैंक का, आपने कहीं परचेज किया, तो जैसे ही परचेज किया उसी टाइम पे ये जो दुकानदार है उसका पेमेंट किसने कर दिया, इस बैंक ने पेमेंट कर दिया, है ना। और फिर क्या होता है कि बैंक कुछ समय के बाद वो पैसा किससे कलेक्ट कर लेता है, आपसे कलेक्ट कर लेता है। तो कहते कि यार ये जो मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं यहाँ पे सपोज कि 50,000 रुपये पे कर रहा हूँ और आपसे कितना ले रहा हूँ, मान लो वो 51,000 रुपये ले रहा है, कुछ कमीशन जो ले रहा होगा, या नहीं तो फिर 50,000 ही सही। तो क्या मैं 50 इस 50 को अलग दिखाऊं जो पे कर रहा हूँ, और जो रिसीव कर रहा हूँ अलग दिखाऊं? बोलते कि नहीं, आप इसको नेट कर सकते हो। अरे यहाँ मकसद है कि बैंक ने कमीशन कितना कमाया, है ना बच्चे। जब आप स्वाइप करते हो तो यहाँ पे दुकानदार को, जैसे आपने 50,000 का सामान लिया, तो बैंक जब इनको पेमेंट करता ना, जितना भी पेमेंट किया होगा, हो सकता है कुछ अमाउंट काट के किया होगा, मान लो यहाँ पे जी उन्होंने क्या किया, आपका 49,500 का पेमेंट किया और आपसे कितना लिया, 50, कुछ भी हो सकता है। मैं बैंकिंग बिजनेस में नहीं जा रहा कि कमीशन कितना कटा, क्यों कटा, मैं कह रहा हूँ कि यार आपने क्या किया, इनको इतना पेमेंट किया और कस्टमर से इतना रिकवर किया। तो इंडेक्स 7 कहता है कि जो फ्रिक्वेंटली बार बार होते हैं, जिसका लाइफ जो है ना बहुत लंबा नहीं है, हुआ फिर खत्म, फिर हुआ मतलब 15-20 दिन में वो रोल ओवर हो रहे, इनको भी आप नेट करके दिखा सकते हो। तो बैंक क्या करेगा ना, इतना दिखाने के बजाय, एक ही बिजनेस है ना बच्चे, एक ही सर्कुलेशन में चला, यहाँ पे किया, यहाँ रिसीव किया, तो आप नेट जो है ना 500 रुपया जो आपने कमाया, कमीशन कमाया यहाँ पे, उसको भी आप नेट करके दिखा सकते हो। ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी, मतलब मेरे कहने का मतलब है, मेरा मतलब इंडेक्स 7 का, कि यार जिसका हमें लगता है कि सेपरेट डिस्क्लोजर होना चाहिए उसको करो। अब यहाँ पे क्या फायदा है ये अलग दिखाना, जबकि एक ही बिजनेस मुझे दिखाई दे रहा है। सुनिए यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपका, पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहता है कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ये कहता है कि एन एंटिटी शैल रिपोर्ट
सेपरेटली मेजर क्लासेज ऑफ ग्रॉस रिसीट्स एंड ग्रॉस कैश पेमेंट अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब आप सेपरेटली करोगे, सब सेपरेट, परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ अलग दिखाना, ये सब आपको सेपरेट करना होगा। कहता है कि एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट कैश फ्लो आर परमिटेड टू बी रिपोर्टेड ऑन नेट बेस। अगर कैश फ्लो ने यानी कि इंडेस 7 ने आपको परमिट किया है तब तो नेट पे होगा, अदरवाइज हमेशा सेपरेटली दिखाना होगा। और 6 पॉइंट ध्यान रखना, 5 लिखा गया था आपका फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के लिए, 6 जो है वो अब तीनों की बात करता है। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मे बी रिपोर्टेड ऑन नेट बेसिस। अब यहां पे बताया जा रहा है कि कहां कहां किसको किसको नेट बेसिस पे उन्होंने अलाउ किया है। कहते हैं कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर से कोई कैश रिसीट्स किया है, कैश पेमेंट किया है, तो कहते हैं कि आप उसका इकट्ठा करके दिखा सकते हो। कैश रिसीट्स एंड पेमेंट फॉर आइटम्स इन विच द टर्न ओवर इज क्विक, द अमाउंट आर लार्ज एंड द मेच्योरिटीज आर शॉर्ट। कहते हैं कि ऐसा चीज जिसमें टर्नओवर क्विक है, ये देखो क्या हुआ, क्विक ही तो हुआ, यहां पे आपने किया और यहां से उसको कलेक्ट किया, तो फिर आपका अगला लॉट दूसरा कस्टमर है वही काम होना, फिर तीसरा कस्टमर है। तो कहता है कि जो कैश रिसीट्स एंड पेमेंट फॉर आइटम्स इन विच द टर्नओवर इज क्विक, अमाउंट आर लार्ज एंड द मेच्योरिटीज कहता आर शॉर्ट। मेच्योरिटी मतलब कुछ समय के लिए। अब बताओ ये इस बंदे को हमने कर्ज कितने समय के लिए दिया था, हर एक क्रेडिट कार्ड वालों का अपना होता है, कोई 50 डेज का, कोई 40 डेज का, कोई 30 डेज का, तो बहुत लंबे समय के लिए तो नहीं है ना। वो कहते भैया आप इसका नेट करके भी दिखा सकते हो, है ना, ये अमाउंट अलग, ये अमाउंट अलग, चाहो तो आप दिखा दो। मे बी शोन ऑन द नेट का मतलब होता है, मे बी शोन का मतलब होता है कि आप चाहो तो इसको भी सेपरेट कर सकते हो और चाहो तो नेट में आप दिखा दो। हमने कैश एडवांसेज एंड लोन्स टू कस्टमर, अगर हमने कोई अपने कस्टमर को कैश एडवांस या लोन दिया है, रीपेमेंट ऑफ दोज एडवांसेज एंड लोन, उनका रीपेमेंट हो रहा है, हमने कस्टमर को लोन दिया और फिर रिकवर कर लिया, बैंक ने आपको क्या किया जी कि आपका 5 लाख का लोन दिया और फिर आपका 6 लाख रुपए का रिकवरी कर लिया, तो आप क्या इसको नेट में करके दिखा सकते हो क्योंकि वो बिजनेस है, लेना देना आपका। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स हो गया, कैश पेड हो गया, मतलब अगर इसको आप सिंपल शब्दों में समझो ना, जिसका वॉल्यूम लार्ज है, जो बार बार होता है, जो शॉर्ट आपका पीरियड में आपका होता है, जो हुआ और कैश आया, हुआ कैश हुआ, तो इन चीजों को आप नेट करके दिखा सकते हो, बाकी सबको सेपरेट डिस्क्लोजर करना आपने। याद रहेगी बात आपका, ये सर एक बार जरा आइए मेरे साथ, मैं चाहता हूँ कि अभी ना हम लोग थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें अपने बुक से, फिर इसके आगे मैं बाकी चीजों को लेकर चलता हूँ। सुनो ना, स्टार्टिंग से आप आएंगे, स्टार्टिंग में आपका मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो मैंने आपको बता दिया है। मीनिंग क्या है आपका जी, कि कैश के फ्लो को बताना 3 एक्टिविटी के अंदर में, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और आपका इन्वेस्टिंग, है ना बच्चे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कैश फ्लो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कहते हैं कि टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस कैश फ्लो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में आपको पता चले, ओपनिंग कैश, कैश इक्विवेलेंट इतना था, क्लोजिंग आपका इतना है, तो फिर कैसे चेंज हुआ जी, वो पता चले। सेकंड में टू असेस द एबिलिटी टू जनरेट कैश, मैंने कहा था ये पता करना कि कंपनी की एबिलिटी कितना कैश जनरेट करने की। याद कीजिए स्टार्टिंग में कि भैया हमने सेल कर दिया, लेकिन सेल से कैश कितना आया, कैश हमारी जो एबिलिटी है जनरेट करने का वो कितना स्ट्रांग है, वो तो कैश फ्लो से पता चलेगा, याद है ना आपको ना, है ना। और तीसरा कहता है कि टू अंडरस्टैंड द टाइमिंग एंड सर्टेनिटी ऑफ द जनरेशन, मैंने ये भी कहा था कि टाइमिंग कितना अमाउंट इससे जनरेट होगा तभी मैं आगे और चीजों की टाइमिंग पता कर सकता हूँ कि मुझे फाइनेंसिंग से कितना पैसा रेज करना है जी, एक्टिविटी से कब कब रेज करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तभी तो पता हो पाएगा बच्चे। ये आपके ऑब्जेक्टिव से 3 आपको जो बताया गया एज पर इंडेक्स 7, ठीक है ना। स्कोप ये तो आपको बता दूं, आप जानते भी हैं कि ये इंडेक्स 7 सबको फॉलो करना है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो सभी को बनाना है जो आपके इंडेक्स के तहत अकाउंटिंग कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे जनरल कंपनी हो, सबको ये फॉलो करना है, ये सबके लिए आपका है, है ना। बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो आप पढ़ सकते हैं, मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, जैसे कि पढ़े थोड़ा सा मेरे साथ अच्छा लगेगा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज When used in conjunction with the rest of, इसका बेनिफिट क्या है, ये आपको बाकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जब उनके साथ इसको यूज करते हैं तो कहता है कि provides information that enables users to evaluate the change in net assets of the entity। ये आपका बेनिफिट क्या हुआ जी कि जब हम SPL बैलेंस शीट देखते हैं
तो उसमें फिगर दिखता है एट द एंड, है ना बच्चे। तो उस केस में अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या करता है, एक हमें डिटेल्स बताता है कि वो जो एंड में है या फिर पूरे साल में जितना है उसमें मूवमेंट कैसे कैसे हुआ, कितने पैसे कहाँ कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ गए। इट ऑल्सो इनहेंस द कंपेरेबिलिटी, ऑब्वियस बात है हम लोग कंपेयर कर पाते हैं पिछले साल से इस साल की इन्फॉर्मेशन, पिछले साल हमारा कैश जनरेटिंग पावर क्या था, इस बार क्या रहा, दूसरी कंपनी से हम अपने आप को कंपेयर कर पाते हैं, है ना बच्चे। ये तो बेनिफिट्स है। हिस्टोरिकल कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन इज ऑफन यूज एज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट, टाइमिंग एंड सर्टनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, कितना अमाउंट किस सोर्स से कब आएगा या कितना आया है या कितना हमें इकट्ठा करना, उसकी सर्टनिटी आपको ये अरेंज करता है, ये बेनिफिट्स इसको बनाने का। हमें पता होता है कितने पैसे यहाँ से आएंगे, ये पैसे हमें वहाँ से इकट्ठे करने, है ना। डेफिनेशन में आ जाइए, हमने कहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैंने बताया था आपको, एक बार पढ़ लो यहाँ पे, इंक्लूड्स कैश ऑन हैंड, डिमांड डिपॉजिट्स, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months और लेस फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। रिविजन हो रहा है जितना पढ़ लिया हमने, है ना, ताकि फिर आगे मैं बढ़ूँ और कुछ खास तो हो नहीं रहा इसके अंदर में। और देखो ना वहां पर लिखा है हमने बोल्ड अक्षरों में फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, that are readily convertible to known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of change in value, है ना। ये वो आपका इन्वेस्टमेंट है that are readily convertible to known amount of cash, मतलब हमें पता है कि भैया इसको तोड़ूंगा तो इतना पैसा मिलेगा, इस इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो इतना पैसा मिलेगा, और कहता है कि which are subject to an insignificant risk of change in value, मतलब रिस्क जो है ना उसमें ऐसा नहीं कि हमने, मान लो कि एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हमने एक इन्वेस्टमेंट किया है और फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन मान लो उसका आपका जो पीरियड है ना वो 2 महीने का ही है, 2 महीने के बाद उसको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन 2 महीने के बाद अगर हम उसको तोड़ते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं, तो देयर इज लॉट ऑफ लॉस व्हिच वी आर गोइंग टू इनकर्ड। मान लो कि 5 लाख का चीज हम 4 लाख में ही बेच पाएंगे, या कंपनी में कुछ ऐसा कंडीशन आपका है, तो भी वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं बनेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इन्वेस्टमेंट पार्ट तभी बनेगा अगर वो हेल्ड फॉर लेस देन 3 months और 3 months है फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन, एंड देयर इज इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ आपका लॉस इन वैल्यू, उसके जो वैल्यू है उसका लॉस होने का चांसेस न के बराबर हो, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया एटलीस्ट उतना पैसे की आपकी रिकवरी हो, तभी बात कही जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब फिर हमने नोट 1 में बैंक ओवरड्राफ्ट इज कंसिडर एज पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिकॉज इट इज कंसिडर एज इंटेग्रल पार्ट ऑफ एंट्री कैश में, मैंने बता दिया था आपको। अब इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट फैसिलिटी, जो मैं यहां नहीं समझ रहा था आपको, ये कहीं लिखा था हमने जी कैश क्रेडिट फैसिलिटी पे इंटरेस्ट, वही आपका, इज शोन अंडर द हेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अरे याद है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट यहां पे आएगा, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट पे जो बैंक हमसे इंटरेस्ट मांग रहा है, इंटरेस्ट भी तो लेगा, वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ऐसे मत देखो, अरे ऐसे मत दिखाओ कि सर पता नहीं कौन सी बड़ी बात सिखा रहे हैं। अरे अभी बताया था थोड़ी देर, कम से कम 8-10 या 15-20 मिनट पहले, कि आपका उस पे वो तो फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। और नोट नंबर 3 भी मैं समझा चुका हूं कि कैश फ्लोज एक्सक्लूड मूवमेंट बिटवीन टर्म्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूट कैश एंड कैश, जो भी कैश एंड कैश के अंदर जो आइटम्स हैं उनके अंदर के मूवमेंट की बात नहीं करता। एग्जाम में आ जाए राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सारी बात लिखनी होगी। हाँ, जो हमने नोट 1 नोट 2 नोट 3 लिखा ना, आप इसको क्या करेंगे लाइन में, नोट 1 2 3 मत लिखना, पैराग्राफ बना देना इसका। क्वेश्चन 1 में करा ही चुका हूं आपको। एक्टिविटीज 3 होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, आप जानते ही हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हम कैसे बनाएंगे जी, तो आपको पता है कि 3 एक्टिविटी में डिवाइड करते हुए, मैं इसके बारे में क्या पढ़ाऊं, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी और उसके एग्जांपल सब जानते जानते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जैसे कि कहता है कि आप जरा पढ़ लो यहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बता रहा है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिला आपको, ये सर, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर प्राइमरली डिराइव फ्रॉम द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, मेन जो आपका एक्टिविटी है सेल करना, है ना, देयरफॉर दे जनरली रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट्स दैट एंटर इन टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। जनरली ये वो आइटम्स होते हैं जो प्रॉफिट लॉस को डिसाइड करने में आप जिनको कंसिडर करते हो, जैसे सेल हो गया, कुछ और आपका रेंटल इनकम कमा लिया, है ना बच्चे, कुछ आपने ट्रेडिंग किया था उसमें कुछ कमा लिया। तो वही एग्जाम्पल में बता रहा है कि कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज,
कैश आउटफ्लो बता रहा हूँ ऑपरेटिंग का कि कैश पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर गुड्स, ये सब क्या पढ़ाना, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी फीस कमीशन अदर रेवेन्यू आपने जो रिसीव किया और पेमेंट किया इम्प्लॉय के बिहाफ पे, तो खर्चे से पैसा चला गया जी। कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस एंटिटी फॉर प्रीमियम एंड क्लेम एनुटी एंड अदर पॉलिसीज बेनिफिट, है ना, जो रिसीव किया आपने पेमेंट किया इंश्योरेंस के ऊपर में सारे ऑपरेशन के खर्चे हो रहे हैं, ऑपरेशन की इनकम हो रहे हैं, वो कैश पेमेंट ऑफ और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई विथ फाइनेंसिंग। सर ये क्या है आगे बताऊंगा, बस समझ लो कि कोई टैक्स का पेमेंट हुआ या रिफंड ऑफ टैक्स हुआ तो वो भी आपका ऑपरेटिंग में ही होगा। सर अभी समझा दो ना, अरे बाद में समझाऊंगा ना, लिखा तो है मैंने यहाँ पे टैक्स जो इनकम के बारे में समझाने का। सर ये दिमाग में सवाल बनते रह जाएगा कि क्या है क्या, अभी समझा दो ना। चलो आपके आप जब जिद करते हो ना तो ये गंदा लगता है मुझे, बट एनीवे मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि ये जो बोल रहा है, जरा पढ़ लो एक बार दोबारा, कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, सुनिए मेरी बात, इसका मतलब क्या होता है बच्चे। नाइन्थ पॉइंट में जो मैं आपको बताने वाला था कि टैक्स से जो इनकम कहाँ जाएंगे, तो ये कहता है इंडेस 7 कि देखो आपके पास तीन एक्टिविटी है मेनली, 1, 2, 3। वो कहता है कि अगर आप जो टैक्सेज हैं अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो इससे जुड़ा हुआ है तो आप इसमें दिखा दो उसको, अगर इससे जुड़ा हुआ है तो आप यहां दिखा दो, अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि किस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, या फिर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि वो इस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, इन ऑल द सर्कमस्टांसेज आपको क्या करना है, टैक्सेज पेड यहीं पर दिखाना है। दोबारा सुनिए एग्जाम्पल के साथ, हमने यहां पे इन्वेस्टमेंट को परचेज किया था, जब इन्वेस्टमेंट को परचेज किया था तो इन्वेस्टमेंट को जो हमने परचेज किया था उस पर हमने क्या किया जी, हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, होता है ना परचेज करना बेचना, हमने जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया था उसको बेच दिया और जो इन्वेस्टमेंट को बेचा उस पर हमें गेन हो गया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन मान लो, या कोई हमने फिक्स्ड सेट से बेच दिया उसमें कोई कैपिटल गेन हो गया और कैपिटल गेन पे गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स ले लिया, टैक्सेज ऑन कैपिटल गेन। तो ये जो टैक्सेज ऑन कैपिटल गेन हुआ वो हमें पता है कि इससे जुड़ा हुआ है, आप उसको क्या करोगे यहां पे दिखाओगे। गलत बोल रहा हूं? नहीं सर, अगर वो लगता है कि फाइनेंसिंग से, जैसे शेयर्स को इश्यू किया तो हमने क्या किया उस पर हमें डिविडेंड पे करना है, और जब डिविडेंड आपको पे करना है तो यहां पे आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का पेमेंट करना होता है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि टैक्स जो है वो इससे जुड़ा हुआ है तो फिर आप उसको यहां लिखो, मतलब डीडीटी का पेमेंट मैं यहां पे दिखाऊंगा। अगर आपको लगता है कि यार हमने जो ऑपरेशन किया, हमने जो गुड्स बेचा उस पर टैक्स आपका गवर्नमेंट ने हमसे लिया है, तो ठीक है जो ऑपरेशन यानी कि उसको यहां पर दिखाओ। कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताऊं, इंडिया 7 ने बड़े सिंपल शब्दों में कहा कि देखो जी अगर आपने टैक्स पे कर दिया मान लो 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए या 5 करोड़ कुछ भी पे कर दिया, अब उसमें जो एलिमेंट्स हैं कि यार उसमें इतने टैक्स में अब मैं कैसे निकालूं कि यार वो कैपिटल गेन का कौन सा है, ये कौन सा है, हमें नहीं समझ में आ रहा, इतने तरीके के टैक्सेज हैं, बोलते हैं कि टेंशन मत लो, आप मत गुस्सा करो हमारे इंडिया 7 के ऊपर में, अगर आपको परेशानी हो रही है, इफ यू आर नॉट एबल टू बाइफरकेट और क्लासीफाई दैट टैक्सेज इनटू द इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो आप उसको ना आराम से इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्टली बाहर में दिखा सकते हैं बिना कोई डिस्प्यूट्स के, कोई एक सवाल भी आपसे नहीं पूछेगा आपने क्यों किया, वही तो बोल रहा है ये। ऐसे मुझे आगे बताना था बट आपकी जिद के चलते मुझे बताना पड़ा, पढ़ो ना एक बार क्या बोलता है, कहता है आपको कि कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, याद रहेगी बात ये सर। और आपका एक इनफ्लो में आप चेक करो लास्ट वाला, कैश रिसीट्स एंड पेमेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पज, वही कह रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट को हमने कोई ट्रेडिंग पर्पज के लिए लिया हुआ है जी, ट्रेडिंग में कोई सिक्योरिटी परचेज किया बेचा, कॉल ऑप्शन है, फुट ऑप्शन है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, पढ़ेंगे हम उसके बारे में अभी आगे में आपका, उनको जो आपने हेल्ड किया उससे जो रिसिट्स आपके हुए हैं तो ये भी आपका ऑपरेटिंग में ही जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल है और इनमें से कोई भी एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया, इंडेस 7 ने इनको समझाने के लिए इतने सारे एग्जाम्पल को लिखा हुआ है, हमने लिख लिया, आगे पढ़ लो। इसके बाद नीचे बुलेट्स क्या बोलता है एक बार अगला पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज, पढ़ो ना अच्छा लगता है,
अरे इतने प्रैक्टिस किए हम लोगों ने आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन का, किया है ना हमने इस 3 के अंदर में। आपको क्या लगता है मैं दोबारा इसका क्वेश्चन कराऊंगा? आपको ऐसा लगता है कि दोबारा कराऊंगा? तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। आप भूल जाओ कि दोबारा वो क्वेश्चन कराऊंगा। हजार मैंने कम से कम 50-60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए, क्या फाइनेंशियल क्या नॉन फाइनेंशियल सब मैंने कराया है। सारे क्वेश्चन के आंसर एज इट इज यहां पर उठ के आएंगे, सारे क्वेश्चन को छोड़कर। जहां पे चेंज होगा उसके लिए मैं एक क्वेश्चन पक्का कराऊंगा। लेकिन आप ऐसा मत बोलना कि सर वो सारे जो 40-50 क्वेश्चन कराए थे ना वो दोबारा करा दो, नहीं बचे। बस आपको अब आगे पढ़ना है, थ्योरी पढ़िए मेरे साथ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे इसको पढ़ना। अमाउंट ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द की इंडिकेटर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी हैव जनरेटेड सफिशिएंट कैश फ्लो और नॉट। If the cash flow from operation is positive, it will be treated as positive indicator, whereas negative cash flow from the operation will denote the company's ability to generate the revenue from its main operation is very weak. ये क्या पढ़ना, ये जानते हैं। अगर आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसमें मेन आंखें टिकी होती है जी मैनेजमेंट की, अगर वो पॉजिटिव है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कैश जनरेट कर रही है, हम उस पैसों को कई जगह यूज कर सकते हैं। अगर वो निगेटिव है तो बहुत सीरियस है, बहुत 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 सीरियस कंडीशन है। क्योंकि निगेटिव होने का मतलब कि अब आप इनसे पैसा लेकर यहां लगा रहे होंगे, और बिजनेस जब एक बार चलना शुरू हो गया तो यहां की रिक्वायरमेंट यहां पे ना हो, यहां की रिक्वायरमेंट यहां पे ना हो, और यहां की रिक्वायरमेंट यहां पे चलो होती है तो समझ में आता है, लेकिन पूरा ना हो, यहां से मेन पैसा आना चाहिए। बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है वो तभी जब इस काम के लिए आपको पैसा मेनली यहां से आ रहा होगा। क्या फायदा यार, लोन लो, शेयर इश्यू करो, मालिक बनाओ और उनसे लेके मशीन परचेज करो, बिल्डिंग परचेज करो। अगर बिजनेस में दम है तो यहां से पैसा निकालो ना, कैश फ्लो बताएगा आपको, वही कह रहा है। आगे पढ़ो ना, द कंपनीज इन इट्स इनिशियल स्टेज ऑफ देयर बिजनेस और कंपनीज विच आर फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम विल जनरली हैव द नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। हमें पता है, अगला बुलेट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आर यूज्ड टू मेंटेन द ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। एंटिटी का जो ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी है उसको मेंटेन करने में ऑब्वियस बात है, अरे हम लोग यहां से जो पैसा लेकर आएंगे उन्हीं से तो इनको हमें पे करना है, डिविडेंड पे करना, इंटरेस्ट पे करना, तो ये पैसे आएंगे तभी तो होंगे, पेमेंट हो पाएगा। वही कह रहा है कि ऑपरेशन से जो आता है आर यूज टू मेंटेन ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द एंटिटी, पे डिविडेंड एंड मेक न्यू इन्वेस्टमेंट विदाउट रिकोर्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू असेस हाउ मच कैश इज जनरेटेड बाय द बिजनेस फ्रॉम ऑपरेशन। Are they sufficient to take care for the future investment plan? Can loan be repaid in time without default from such cash flow? Is there sufficient amount of payment or preference dividend? Is anything left for equity shareholders after making all these payments? Answer to all these questions will depend on whether the entity has generated enough cash or not. अच्छा लगता है, मतलब मैं जब इसको पढ़ता हूँ ना तो लगता है कि यार ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ। पता है, एक बात बताऊँ मैं ईमानदारी से, आपका तो नहीं पता कि आपके अंदर में आत्माएं जो है ना वो कितनी मतलब स्ट्रांग है, आपकी आत्मा कितनी दूर तक सोचती है मुझे नहीं पता। मैं अपने आत्मा की बात करूं, जब इस चैप्टर को पढ़ता हूं ना तो एक एक मेरे बॉडी का जो पार्ट है ना वो ऐसे गनगनाते, मतलब उसके अंदर में ऐसे वाइब्रेशन होता है सर। क्यों? क्योंकि जब इसको पढ़ता हूं तो मैं अपने बिजनेस में उसको देखता हूं कि यार मेरे बिजनेस में क्या मैं इस काम को कर पा रहा हूं, क्या मेरे बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है मैं यहां से ले रहा हूं या मुझे कहीं और से लाना पड़ रहा है। अगर कहीं और से लाना पड़ रहा है तो मेरे आपको पैर नहीं दिख रहे होंगे बट वो कांपने शुरू हो जाते हैं, यानी कि रिस्क में जा रहा है। अरे बिजनेस तब है जब यहां से पैसा लेकर आओ। आप सुनते हो कि मतलब मैं किसी कंपनी का नाम लूंगा तो गलत होगा, मैं बताऊं कि यार उन्होंने क्या क्या इतने का इन्वेस्टमेंट लेकर आए, इतने का उन्होंने शेयर्स बेचा, इतने में, अरे क्यों क्यों नए शेयर्स बेचना क्यों? बिजनेस तब है जब आप क्या करो कि पैसा ऑपरेशन से लेकर आओ सबके लिए। सर ये जितना आप बोलो क्या उतना आसान है? ना मेरे बच्चे, ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां से पैसा लाना आप तो अपने ब्रांड पे लेकर आ सकते हो, लेकिन ये इंटरनल आपका वर्किंग है जिसके बेस पे आप अपना पैसा जनरेट करोगे। और अगर मैं ये भी कह दूं कि इसी से पैसा लेना ही सबसे मेन होगा, वो भी गलत होगा। पैसे हमें यहां से चाहिए, लेकिन बैलेंस बनाना, ये तो हम जब आएंगे ना किसी कंपनी के अंदर में और वहां पर जब ये जिम्मेदारी हमारे सर के ऊपर आती है तब हम उसको अच्छी तरीके से निभा पाते हैं। मजा तब है जब आप अकाउंटेंट ना बनो, मजा तब है जब आप किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजमेंट को संभालो। अकाउंटेंट की कोई जिंदगी नहीं है,
क्या एंट्री पास करना, यहाँ वहाँ ये सब काम करना, अरे इतने अच्छे कोर्स आपके पास है, इतना अच्छा प्रोफेशनल डिग्री है, आपको जाना फाइनेंस के अंदर में, न कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर में। आप वहाँ पे ये सारे डिसीजंस लो ना, आपके जितनी एफिशिएंसी आप उसकी यूज करो ना, कंपनी का प्रोडक्ट अगर अच्छा है ना, मैं चैलेंज के साथ देखो यहाँ पे ऐसे ठोक ठोक के बता देता हूँ, अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है तो सिर्फ ये मैनेजमेंट ही है जिसके अंदर आप काम करते हो जो कंपनी को टॉप पे लेकर जाती है, और कोई नहीं। कंपनी का बढ़ना घटना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आप प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो हो गया, प्राइमरी था प्रोडक्ट, ठीक है जी, अब प्रोडक्ट कैसे मार्केट होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे कहां कहां क्या, वो सब आप ही तो करोगे। तो पढ़ो ना, मजा आएगा इसमें, और जल्दी से भगवान से प्रार्थना करो कि डिग्री कंप्लीट हो और किसी कंपनी में जाके, या अपनी कंपनी खोलकर, किसी और कंपनी को अपनी कंपनी खोलकर उसमें सब काम को करो, मजा आएगा आपको। ठीक है, फिर आपका सर्टेन स्पेसिफिक इश्यूज, इसमें कहता प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अरे अगर प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स होता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉफिट निकालते समय माइनस कर देते हैं, हम वहां से हटा देंगे, उसके इंपैक्ट को खत्म कर देंगे। और ये प्रॉफिट लॉस जो होता है वो कहां जाता है आपका, इन्वेस्टिंग में। अगर मशीन हमने 80,000 का परचेज किया था और 5,000 का लॉस हो गया, तो 75 में बेचा तो 75 यहां दिखाऊंगा, 5,000 का लॉस का इंपैक्ट यहां जाएगा। अगर आपने मशीन 90,000 में परचेज किया था, 1,00,000 में बेचा, तो 90+10 जो प्रॉफिट हुआ 1,00,000 यहां दिखाऊंगा, इसके अंदर आएगा, वहां थोड़ा होगा, वहां से हटा के हम इसको, आपका जो बुक वैल्यू होता है उससे प्लस माइनस करके हम उसका इंपैक्ट यहां दिखाते हैं। अब इसको क्या पढ़ना, प्रॉपर्टीज बिल्ड फॉर लेट आउट मैंने बता दिया आपको कि पढ़ो ना, कैश पेमेंट टू मैन्युफैक्चर और एक्वायर एसेट हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स एंड सब्सिक्वेंटली हेल्ड फॉर सेल आर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मानना है द कैश रिसीट्स फ्रॉम रेंट एंड सब्सिक्वेंट सेल ऑफ सच एसेट्स आर ऑल्सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। थर्ड में आप आएंगे, कहते हैं एन एंटिटी मे होल्ड सिक्योरिटीज एंड लोन फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग। ये देखो मैं इसकी बात कर रहा था, ये सब बता दिया था, एंटिटी मे होल्ड सिक्योरिटी एंड ट्रेडिंग। सर यहां लिखा क्यों था, ताकि दिमाग में याद रहे, एक्चुअली मुझे गजनी वाली बीमारी हो चुकी है, भूल जाता हूं क्या पढ़ाना बच्चों क्या नहीं पढ़ाना, इसलिए लिख देता हूं वहां पे। पर ना एंटिटी मे होल्ड सिक्योरिटीज एंड लोन फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस इन विच केस दे आर सिमिलर टू इन्वेंट्री एक्वायर्ड स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। Therefore, cash flow arising from the purchase and sale of dealing or trading security are classified operating. मैंने आपको बता दिया, operation में जाएगा। Similarly, cash advances and loans made by financial institutions are usually classified as operating. Obvious बात है, financial institution मतलब bank की बात कर रहा है ना, NBFC की बात कर रहा है, वो जो cash loan के रूप में दिया है वो भी उनके लिए क्या है, आपका operation है जी, loan देना loan लेना आपका, और वो क्या, वो नेट करके उसको दिखा सकते हैं, बताया था मैंने आपको यहाँ पे, जो आपका कैश एडवांस एंड लोन टू कस्टमर एंड जो रीपेमेंट ऑफ लोन हो रहा है आपका, जी सब क्या, हम उसको नेट करके दिखा सकते हैं, मतलब इकट्ठा करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करा दिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है आप जानते हैं, परचेज सेल आपका शेयर्स डिवेंचर्स का, बॉन्ड माफ कीजिए फिक्स एसेट्स का, नॉन करेंट एसेट्स का, या फिर जो पैसा बच गया वो बाहर इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट नॉट फॉर ट्रेडिंग, फॉर द होल्डिंग पीरियड, या तो आप उसको 1 साल 2 साल 3 4 महीना जो भी आप, बट उसको रखे, ट्रेडिंग के लिए नहीं परचेज करें। आप इसको पढ़ेंगे, इसमें सारी बातें हमने बताया हुआ, कुछ भी नया नहीं है, एक बार पढ़ लेना की जरूर, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं सारा इंडेक्स 7 का वर्ड्स है। कहता है कि द सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द कैश फ्लो रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच इन एक्सपेंडिचर हैव बीन मेड फॉर रिसोर्सेज इंटेंडेड टू जनरेट फ्यूचर इनकम एंड कैश फ्लो। ओनली एक्सपेंडिचर दैट रिजल्ट इन रिकॉग्नाइज एसेट इन द बैलेंस शीट आर एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप देख रहे हैं मैंने इसको बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है कि वही एक्सपेंडिचर आप यहां पे रिकॉग्नाइज करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जो बैलेंस शीट में एसेट्स ग्रुप में आपने रिकॉग्नाइज किया है, जिसको आपने बैलेंस शीट में एसेट्स ग्रुप में बनाया हुआ है ना बच्चे, चाहे वो इनटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल हो। एग्जांपल में कैश पेमेंट टू एक्वायर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इनटेंजिबल और अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इनटेंजिबल अदर लॉन्ग टर्म आपका हो गया, कैश पेमेंट टू एक्वायर इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटीज मतलब इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर आपका
अदर देन पेमेंट फॉर दोज इंस्ट्रूमेंट कंसिडर्ड टू बी कैश इक्विवेलेंट और दोज हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग. सर ये क्या है, कुछ बात बताऊंगा कुछ नहीं बताऊंगा. सुनो दोबारा पॉइंट नंबर 3, कैश पेमेंट टू एक्वायर इक्विटी और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट. अगर आपने इक्विटी या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई सिक्योरिटीज को एक्वायर करने के लिए आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है ना, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा. बशर्ते कि माफ कीजिए अगर लेकिन देयर इज लेकिन अगर आपने इनको परचेज किया फॉर ट्रेडिंग पर्पस तब यहां पे नहीं आएगा, तब कहां चला जाएगा, ऑपरेटिंग में. पहले बता चुका हूं मैं आपको, है ना बच्चे. हाँ तो ये आपका. और सर यहां ब्रैकेट में एक चीज और था, जरा दोबारा पढ़ो ना. कैश पेमेंट टू एक्वायर इक्विटी और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटीज इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर अदर देन पेमेंट फॉर दोज इंस्ट्रूमेंट कंसिडर टू बी कैश इक्विवेलेंट और दोज हेल्ड फॉर डीलिंग. सर ये क्या है, ये कहता है आपका अदर देन पेमेंट फॉर दोज इंस्ट्रूमेंट कंसिडर टू बी कैश इक्विवेलेंट. मेरे बच्चे आओ तो फिर स्लो समझ लो इसको, थोड़ा स्लो. अगर कोई कैश पेमेंट किया है, कोई इन्वेस्टमेंट किया आपने, इन्वेस्टमेंट अगर वो ट्रेडिंग के लिए किया है, ट्रेड करने के लिए, तब तो चला गया यहां पे. अगर वो इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला गया, अगर हेल्ड फॉर 3 months और लेस, तो उसमें चला गया, नहीं तो ही आपका कहा जाएगा इन्वेस्टिंग में. यही तो मतलब हुआ, जो यहां नहीं होगा, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं होगा, वही इन्वेस्टमेंट तो यहां पे होगा. ये कोई बड़ी बात थोड़ी बता रहा कि आप चार पांच बार मुझसे पढ़ा रहे हो इस चीज को. जी आगे पढ़ो. कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट और अदर एंटिटीज इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर अदर देन दोज वही अदर देन फिर आपका कैश कैश इक्विवेलेंट और आपका ट्रेडिंग. तो ऑब्वियस बात वो पेमेंट था, रिसीट्स था. अगला कैश एडवांसेज एंड लोन मेड टू अदर पार्टीज, किसी दूसरे पार्टी को हमने दिया है. लेकिन ध्यान रखना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं, जो बैंक होते हैं उनका तो ये काम है, उनका तो ऑपरेशन है मेरे बच्चे, ऑपरेशन में जाएगा. अगर मैंने किसी को लोन दिया है, मैंने किसी को एडवांस दिया है बीइंग सीओसी एजुकेशन, तो फिर क्या होगा, वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा. आप जानते हैं सब, कई सारे हमने क्वेश्चन किया हुआ है. 6 point वहां पे रिसीट्स पे हो गया. 7th कहता है कि भैया कैश पेमेंट फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर हेल्प फॉर ट्रेडिंग डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस और द पेमेंट आर क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग. अगर आपने ये जो आपका क्या बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ये सब किया हुआ है जी, अगर आपका काम ट्रेडिंग के लिए है तब तो ऑपरेटिंग में चला गया, है ना बच्चे. अगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग में कब जाएगा, अगर आपने इसको इशू किया है, अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट इशू किया हुआ है तब तो यहां हो गया, पैसा किसी से रेज करना है तो. अदरवाइज कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में. अगर यानी कि आपने कहीं पे इसमें इन्वेस्ट किया है ये कहना चाहता है, ठीक है. और 8th अगेन वो रिसिप्ट की बात कर रहा है, वो तो ये तो निकल गया है. हाँ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कर सकते हैं. आई थिंक नहीं कराया था मैंने आपको 3 अभी, तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपका क्या बोलता है ये, ठीक है ना. पढ़ेंगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेकन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया आइडेंटिफाई विच ट्रांजेक्शन विल बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एंड विच वुड बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग. कौन सा ऑपरेटिंग होगा, कौन सा इन्वेस्टिंग होगा. तो बताओ इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक मिनट किसके बारे में पूछना है जी. अब प्राइवेट सेक्टर बैंक, बैंक है मेरे बच्चे, फाइनेंशियल आपका इंस्टीट्यूशन है, तो जो भी उनका वर्क्स होता है जिसमें वो आपका काम करते, वो ऑपरेशन हो गया, जो काम एक्सक्लूसिव एज इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टिंग में आएगा. पढ़ो ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन उनका ऑपरेशन है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट ऑपरेशन है. मैंने कैश फ्लो में एक लास्ट क्वेश्चन इस पर कराया हुआ है, आप देखेंगे वहां पे डिपॉजिट्स कहता है एक्सेप्टेड, ये हमारा ऑपरेशन है. लोन गिवन टू कस्टमर ऑपरेशन है. फिर कहता आपका लोन रिपेड बाय कस्टमर ऑपरेशन है. डिपॉजिट्स रिपेड, डिपॉजिट जो थे फिक्स डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट उन्होंने रिपे कर दिया ऑपरेशन है. कमीशन रिसीव ऑपरेशन है. लीज रेंट पेड फॉर वेरियस ब्रांचेज, ब्रांचेज जो आपके हैं उनका रेंट पे किया ऑपरेशन में खर्च हो रहा है. सर्विस टैक्स पेड आपका ऑपरेशन है. फर्नीचर हमने परचेज किया ये तो इन्वेस्टिंग है, एसेट्स बनाया हमने. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपग्रेडिंग बैंकिंग सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट है, इनटेंजिबल एसेट्स है ना बच्चे, उसमें हमने पैसे लगाए सॉफ्टवेयर. परचेज ऑफ शेयर्स इन 100% सब्सिडरी फॉर ओपनिंग अ ब्रांच इन अबू धाबी. मेरे बच्चे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर किसी सब्सिडरी कंपनी में हमने, किसी कंपनी में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो ये यहाँ पे हमारा ऑपरेशन नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टिंग में जाएगा. अरे हमने कैश फ्लो किया है लास्ट, आपका क्वेश्चन याद कीजिए लास्ट या सेकेंड लास्ट.
न्यू कार्स परचेज फॉर होंडा डीलर इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार एंड बैलेंस पेड इन कैश, क्योंकि आपने बैलेंस पे किया कैश में, तो जो कैश पे किया वो इन्वेस्टिंग हो गया, है ना, इन्वेस्टमेंट किया आपने। प्रोविडेंट फंड पेड फॉर एम्प्लॉय, ऑपरेशन है इशूड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, कोई कैश में लेन देन ही नहीं हुआ तो यहां तो कहीं भी नहीं जाएगा, है ना बच्चे। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं फाइनेंसिंग, फाइनेंस इकट्ठा करना, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ये सब इशू करना, इनका रिडेम्पशन करना, इनके ऊपर में कंसिडरेशन पे करना, यहीं पे जाएगा, है ना। तो मैं इसमें क्या पढ़ूँ, मैं पढ़ने, आप पढ़ लेना आपके, मैं नीचे आ जाता हूँ, इसका क्वेश्चन करा लीजिए, कर लीजिए मेरे साथ कि एक मिनट। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया ना अभी, तो उसमें जो आंसर्स हैं आप वहीं पे लिख लेंगे, मैंने वहां पे ब्लैंक जगह छोड़ा हुआ है, आप देख रहे होंगे वहीं पे उसका आंसर लिख देंगे कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन चेक करेंगे आप, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेकन फ्रॉम ए पेरेंट कंपनी हैविंग मल्टीपल बिजनेस एंड मल्टीपल सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई विच ट्रांजेक्शन विल बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग। एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन से मुझे ध्यान आया, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात आपको बोलू ना, AS3 और IND AS 7 को लेकर एक और डिफरेंस आपका, बच्चे AS3 जो है ना वो सेपरेट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो ना उसका रूप कैसा होगा उसको डील करता है, सेपरेट को लेकर। लेकिन जो IND AS 7 है ना, IND AS 7 ये सेपरेट नहीं, कंसोलिडेटेड जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसमें कंसोलिडेटेड जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। मतलब आप देखेंगे जब पूरे IND AS 7 को आप स्टडी करेंगे तो वो हमेशा आपको सब्सिडियरी कंपनी की बात करेगा, ज्वाइंट वेंचर की बात करेगा, एसोसिएट्स की बात करेगा, कंसोलिडेशन की बात करेगा, क्योंकि इसमें जितनी सारी बातें लिखी गई ना अभी आगे आएगा वो कंसोलिडेशन को ध्यान में रखते हुए, मेरी कंपनी 5 कंपनी चला रही है, 5 कंपनी का मैं पेरेंट कंपनी हूं, तो 5 कंपनी का जो पेरेंट कंपनी हूं ना मैं 5 का, तो पेरेंट कंपनी जब उनको कंसोलिडेट करेगी उनका एंड में जो बैलेंस शीट बनेगा, प्रॉफिट लॉस बनेगा और जो कैश फ्लो बनेगा, तो कैश फ्लो कैसे दिखाया जाएगा उनके बारे में बात करते हुए लेकर चलता है। एक डिफरेंस और आपके लिए है, आप पढ़ेंगे कि कोई बोले कि यार AS 3 और IND AS 7 में क्या फर्क है, तो आप बता देना कि देखो जी AS 3 जो है ना वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उस कंपनी का से बनता है ना उसको ध्यान में रख के बनाया गया है, और जो IND AS 7 आपका है वो आपका क्या जी, वो ध्यान में रखा गया है कंसोलिडेटेड, जितनी सारी कंपनी जो उसके अंदर में काम कर रही है उनको कंसोलिडेट करते हुए कैसे होगा। और सिर्फ IND AS 7 नहीं, जितने भी इंडेस हैं, जितने भी इंडेस हैं लगभग सब कंसोलिडेशन को ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं, ब्रॉडर पिक्चर है ना, बड़ी बड़ी कंपनी के ऊपर में बात की जाती है एक्चुअली। खैर आइए फोर्थ में कहता है, बताओ कि कौन सा आपका ऑपरेटिंग, कौन सा इन्वेस्टिंग, कौन सा फाइनेंसिंग। कहता है इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंसिंग है, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ 100% सब्सिडियरी इन्वेस्टिंग है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम शेयर्स एंड सब्सिडियरी, डिविडेंड रिसीव किया इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट पर रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अदर कंपनी किसी से रिसीव करो इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टिंग है, बोनस शेयर्स इशू नो कैश फ्लो है ना, कोई कैश फ्लो नहीं हुआ जी। फिर आपका यहाँ पे परचेज लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, लाइसेंस को परचेज किया, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स, लाइसेंस आपका इंटेंजिबल एसेट्स है, राइट परचेज किया, इन्वेस्टिंग हो गया, रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंटेड बाय द कंपनी, कहता है कि आपने गुड्स कुछ पेटेंटेड, यानी कि गुड्स आपने किसी को पेटेंट पे दिया हुआ है, यानी कि आपके पास कोई गुड्स आपने बनाया हुआ है और आपने किसी को राइट दिया है और उसके बदले में रॉयल्टी ले रहे हो आप, तो ये तो आपको ऑपरेशन है जी, राइट बेचना और फिर रॉयल्टी लेना, ऑपरेशन हो गया। रेंट रिसीव फ्रॉम द लेटिंग आउट बिल्डिंग, और कहता है कि लेट आउट इज नॉट मेनी बिजनेस, समझना मेरी बात मेरे बच्चे, पहले जो मैंने आपको समझाया था आपको याद होगा, मैंने यहां पे एक आपको बताया था कि अगर कोई आप बिल्डिंग लेते हो और बिल्डिंग लेने का आपका जो मेन मोटिव है वो आपका ऑपरेट, ये आपका लेट आउट करना, मैंने कहा था बिल्डिंग आप लेते हो और मेन आपका काम क्या है जी, उसको लेट आउट करना, तो वहां पे वो ऑपरेशन था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गया था। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि आपने कोई बिल्डिंग से रेंट रिसीव किया बट लेटिंग आउट इज नॉट मेन बिजनेस, इसका मतलब होता बच्चे कि हमारे पास सरप्लस पैसा था, हमने किसी प्रॉपर्टी में किसी बिल्डिंग में पैसा लगा दिया, अब बिल्डिंग क्योंकि खाली पड़ा हुआ है तो चलो हमने क्या कि उसको लेट आउट कर दिया,
दोनों में फर्क है, पहले वाले एक्सप्लेनेशन में और अभी में। पहले वाले में हमने बिल्डिंग लेने का मेन मोटिव क्या था जी, हमें लेट आउट करना था। अब क्या बोल रहा है कि मेन बिजनेस नहीं है, मतलब हमारा काम लेट आउट करना नहीं है, हमारा काम क्या है जी, कि हमने पैसा था किसी बिल्डिंग में डाल दिया, अब खाली क्यों पड़ा, चलो हम उसको रेंट पे किसी को दे दें। तो यहाँ पर दिस इज आर इन्वेस्टिंग, ये जो आपका बिल्डिंग है वो इन्वेस्टमेंट था मेरे बच्चे, और उससे जो रेंट रिसीव किया वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो वो रेंट रिसीव आपका कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में, याद रहेगी बात, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखो समझना, सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरली जो कंपनीज लेती है ना, वो पैसा वो अपने पास रखती है बिजनेस में यूज करने के लिए, बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए। अब समझ लो, मान लो मैं कोई आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चलाता हूँ, और मैंने क्या किया जी, आपसे कुछ सिक्योरिटी लिया है मीटर कनेक्शन लेने के टाइम पे। तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरे पास आते हैं ना, ये पैसा मैं जनरली बिजनेस के फाइनेंसिंग पे यूज करता हूँ। तो फाइनेंसिंग पे जो पैसा यूज करोगे, उस पे जो आप यहाँ पे इंटरेस्ट पे करोगे, वो भी क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, गुडविल परचेज क्या, इन्वेस्टिंग हो गया, एक्वायर्ड एसेट ऑफ ए कंपनी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, नॉट पार्टिंग एनी कैश, कोई कैश पेमेंट नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा, नॉट टू बी कंसिडर्ड। इंटरिम डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिजोल्व 100% सब्सिडरी, कहता है कि कोई 100% सब्सिडरी कंपनी थी आपकी जिसको आपने डिजोल्व कर दिया, तो डिजोल्व कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, वो आपका खत्म हो गई कंपनी, हमने इन्वेस्टमेंट किया था हमने उसको बेच दिया, तो नो ट्रीटमेंट है ना। ये माफ कीजिए, ये कहाँ चला गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, कोई डाउट नहीं सर, आगे बढ़ो। यस सर, अब जरा आ जाओ इसके बाद आपका रिपोर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं आपको बता चुका हूँ दो मेथड हमारे पास है, डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है जी, जितने भी आपके पास ऑपरेशन में कैश आए हैं गए हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से शो करते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम लेते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्ड खत्म हो गया, अगर मैं इंड से कंपेयर करूँ तो S3 से कंपेयर करूँ तो, और फिर हम नॉन ऑपरेटिंग काम वही करते चले जाएंगे, और फिर आपका पूरा इसमें समझने समझाने के लिए कुछ है नहीं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस किए हैं, और आगे मैं अभी एक दो क्वेश्चन करके दिखा भी दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। इसके बाद आपका और आगे बढ़ते हम लोग, अगला टॉपिक हमारा जी रिपोर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मैं आपको बता चुका हूं कि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग जो आपके होते हैं उनका रिपोर्टिंग जो होगा हमेशा क्या होगा जी, ग्रॉस बेसिस पे होगा। कहां गया, ग्रॉस बेसिस पे है ना, जब तक कि हमें अलाउ ना किया जाए। और अलाउ क्या किया जाएगा इसके बारे में यहां पे मैंने आपको दिया है, पढ़ेंगे आप, कि रिपोर्टिंग कैश फ्लो ऑन नेट बेसिस मिला आपको। ये सर, ये कहता है कि नेट बेसिस पे रिपोर्टिंग आपका अलाउड है, किसका किसका अलाउड है सुनेंगे। कहता है इफ नथिंग इज मेंशन एज पर इंड एस 7 कैश फ्लो विल बी प्रेजेंटेड ऑन ग्रॉस बेसिस। मैंने पहले बताया था ग्रॉस बेसिस मीन्स द रिसीट वुड बी शोन सेपरेटली एंड पेमेंट विल बी शोन सेपरेटली। रिसीट्स अलग दिखाएंगे, पेमेंट अलग दिखाएंगे। कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मे बी रिपोर्टेड ऑन नेट बेसिस। जो मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा था आपका, पढ़ो ना क्या बता रहा है। जैसे कहता है आपका पहला, कैश रिसीट्स एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। मैंने सोचने का तरीका आपको बता दिया है, सोचने का कि कैश फ्लो बनाते समय क्या क्या ध्यान रखेंगे, और कुछ नया नहीं है। अब कहता है कैश रिसीट्स एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, एग्जाम्पल जैसे रिसीट्स एंड रीपेमेंट ऑफ डिमांड डिपोजिट ऑफ ए बैंक, है ना, डिमांड डिपॉजिट का पैसा आना और फिर आपका यहाँ पे उनका रीपेमेंट करना, है ना बच्चे, पैसा आना और जाना आपका इसका मतलब। फिर कहता है रेंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ और पेड ओवर टू द ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी, जितने भी प्रॉपर्टी के ओनर हैं उनसे पैसा कलेक्ट किया या पे किया, तो हम इसको नेट करके मतलब नेट अमाउंट दिखा सकते हैं, ठीक है ना। जो पैसा आया जितने भी ओनर्स हैं उनसे अलग, और जितना जो आपके जितना हमने पे किया उसको अलग आपका मतलब नेट करके दिखा सकते हैं, सभी ओनर का अलग अलग दिखाना जरूरी नहीं है। नंबर टू, कैश रिसीट्स एंड पेमेंट फॉर आइटम्स इन विच द टर्नओवर इज क्विक, अमाउंट आर लार्ज एंड द मेच्योरिटी आर शॉर्ट। तो एग्जाम्पल्स क्या बता रहा जी, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट रिलेटिंग टू क्रेडिट कार्ड कस्टमर, जो मैंने आपको नहीं समझाया यहाँ पर, क्रेडिट कार्ड कस्टमर की पेमेंट हो रहा फटाफट, तो फिर क्या हम उसको नेट करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना, नेट करके हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर कहता है परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स
मतलब कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब जो सॉरी इन्वेस्टमेंट का सेल परचेज करना, आपने क्या किया जी, 10 तरीके का इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, आपने उसको परचेज किया, सेल किया, तो परचेज जितने भी किया उसको इकट्ठा, सेल जितने भी किया उसको इकट्ठा, है ना, उनको हम दिखा सकते हैं। कोई शॉर्ट टर्म बोरविंग्स है, हमने 10 लोगों से कर्ज लिया, बैंक से कर्ज लिया या जिससे भी, तो हम उसको नेट करके दिखा सकते हैं, मतलब टोटल इकट्ठा करके, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे कैश एडवांसेज एंड लोन्स मेड टू कस्टमर एंड रीपेमेंट ऑफ दोज लोन्स एडवांसेज बाय जनरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, उनको कर सकते हो, डेटर से पैसा, सप्लायर्स को पेमेंट, आप इसको नेट बेसिस पे कर सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन आइटम्स विच कैन बी शोन ऑन द नेट बेसिस एज पर इंडेक्स 7, तो ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। अब जो एक पॉइंट और आपका जो अच्छा है, फॉरेन करेंसी कैश फ्लो। सर ये क्या है, मुझे इसको समझाने के लिए ना पहले इसको मिटाना पड़ेगा, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। और ये क्या है मेरे बच्चे, पहले मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा, मैंने खास आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हुए हैं इसको समझाने के लिए, पहले उसको समझ लो उस क्वेश्चन को, फिर इसको हम पढ़ेंगे कि ये क्या बोलना चाहता है, तब जाके बातें आपको समझ में आएंगी। अदरवाइज आप इसको पढ़ते जाएंगे दिन रात और पता नहीं क्या क्या गुजर जाएगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। मैं इसको मिटा ही देता हूँ क्योंकि लगभग सारी बातें तो मैंने कर ही लिया, डिफरेंसेज मैं बताऊंगा ही, देर इज नो सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैंने बता ही दिया, इसको देख ही लूंगा। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पॉइंट मुझे कराना ही है, टैक्स जो इनकम मैंने बता ही दिया, इंटरेस्ट डिविडेंड का ट्रीटमेंट अभी सब डिस्कशन करूंगा, पहले मैं इसको मिटा के पहले मैं दिमाग को और आपको शांत कर दूं। ये लीजिए, ये लीजिए, मैंने इसको मिटा दिया और इसके बाद अब जरा इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या निकल के आता है। आओ ना, इस टॉपिक को पढ़ने के पहले मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये लो मैंने इसको मिटा दिया, एंड पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5। सर इसका पहले मीनिंग समझा दो ना। नहीं बच्चे, अगर मैं आपको मीनिंग समझाने गया ना तो फिर पता क्या होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इससे थोड़ा समय दो मुझे आप, और जरा आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ पढ़ लो इसको, तब तक मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ, मुझे भूख लग रही है। ये क्या है नहीं बताऊंगा, ठीक है, सुनिए। हाँ जी, देखेंगे मेरे साथ क्वेश्चन 5 क्या बता रहा है, पढ़ेंगे आप। ये क्वेश्चन खास मैंने आपको बनाया हुआ है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, अगर मैं इसको किए बगैर उस कॉन्सेप्ट को समझा दूं तो मेरे बच्चे आपको समझ में नहीं आएगा मैंने ऊपर में क्या लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान सुनिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ेंगे आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि सीओसी लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा आपने, स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। मेरे बच्चों 1 अप्रैल 2021 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि इस साल ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट का कोई मतलब नहीं बनता, ओपनिंग बैलेंस शीट का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है ना। कहता है कि आपका एन इश्यूड इक्विटी शेयर ऑफ 20 लाख रुपीज, कहता है इमीडिएटली न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख वॉज परचेज एंड डिमांड डिपोजिट $10,000 वॉज मेड इन अमेरिकन बैंक। हमने जो इशू किया इक्विटी शेयर्स, पैसे हैं, मशीन परचेज किया और हमने कुछ सरप्लस पैसा डिपॉजिट्स कर दिया फॉरेन बैंक में, और नो डाउट कि जो फॉरेन बैंक में करोगे तो उस कंट्री के करेंसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा होगा, तो $10,000 में हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, इंटरेस्ट मिलेगा 10%। एंड कहता है ऑन दैट डेट आपका रेट जो पर $ था वो कहता है कि ₹45 आपका रेट चल रहा था, ठीक है। कहता है फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर गिवन फॉर दियर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022, कैश सेल्स है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यानी कि रॉ मटेरियल परचेज किया हमने, इम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट कहता है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, फिर कहता है बैलेंस ऑफ FD 11,000 कह रहा है आपका इंक्लूडिंग इंटरेस्ट $11,000। ये क्या बता रहा है, ऑब्वियस बात है वो आपका $10,000 स्टार्टिंग में था, आपने जब इन्वेस्टमेंट किया था 10% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बना, तो 10,000 का 10% 1,000 हो गया, तो FD जो पहले 10,000 था नाउ इट बिकम्स इक्वल टू $11,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोल भी रहा है। और फिर मजे की बात है कि प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट
एज पर इंडस 7 एज्यूमिंग टैक्स रेट आप टैक्स अमाउंट नहीं ले, एक्सचेंज रेट कहता है कि एट द ईयर एंड वाज रुपीज 50। अच्छा, जो हमने इन्वेस्टमेंट 45 के हिसाब से किया था उस टाइम पे, अब एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन भी आ चुका है, 45 जो एक यूएस डॉलर की कीमत था, नाउ दैट हैज बिकम टू 50 रुपीज। तो इसका क्या करेंगे मैं आपको बताऊं। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट आपके लिए रेडी कर लिया है जी जादू से, आप देख रहे हैं यहाँ पे 5। अब मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट्स मिला रहा हूँ, वर्किंग नोट्स। आप इस वर्किंग नोट्स के अंदर में आप एक काम कीजिए, आप ना मेरे साथ बनाओ एक छोटा सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मतलब ये वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जिसमें हम फॉर्मेट की बात नहीं करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन खास मैंने आपके लिए बनाया हुआ है इस टॉपिक को, पॉइंट को समझाने के लिए कि वो बोलना क्या चाहता है, बिना इसको समझ में आएगा नहीं। और एक बैलेंस शीट भी पुराने फॉर्मेट में जो बचपन में आप करते थे उस तरीके से मेरे साथ रेडी कर लो। मैं शुरू करता हूँ, ध्यान देंगे आप, स्टार्ट कीजिए आप मेरे साथ क्वेश्चन को। अभी कुछ ऊपर नहीं पढ़ना, समझ में नहीं आएगा, बस सुन लो मेरे पास, फिर बाकी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आपने बिजनेस स्टार्ट किया 20 लाख इक्विटी शेयर्स के साथ, तो मैंने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, साथ साथ लिखेंगे आप, वर्किंग नोट्स बन रही है। 20 लाख के शेयर इशू किए, नो डाउट कि जब 20 लाख के शेयर इशू किए तो कैश भी आपके पास आया होगा, कैश इन बैंक 20 लाख। लेकिन उस 20 लाख को आप यहां लिखना नहीं, क्योंकि मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं एंड में, एज ऑन 31 मार्च 2022। तो एंड में तो कैश में बहुत सारे चेंज आएंगे जी, कुछ परचेज किया, सेल किया, वो भी प्लस माइनस होगा, कैश बैलेंस बाद में देख लूंगा। आगे बढ़िए आप, हमने 5 लाख का मशीन परचेज किया, लिखो ना यहाँ पे मशीन। आपने जो मशीन 5 लाख का परचेज किया अंदर ही लिखना, तो 5 लाख का मशीन बड़ा होगा और कैश कम हो गया होगा, कैश कितना बाद में देख लेंगे, मशीन अंदर क्योंकि डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ इसलिए अंदर लिख के भी छोड़ दो। ये तो जब परचेज किया था तब 5 लाख का था ना, आज कितना मेरे बच्चे वो देखना होगा, हम देख लेंगे। आगे बढ़ो, कहता कि हमने एक डिमांड डिपॉजिट्स भी किया है, तो आप जगह छोड़ के थोड़ा सा लिखिए यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स। जरा बताओ ये डिमांड डिपॉजिट्स आपने कितना किया है, 10,000 यूएस डॉलर इंटू 45, है ना, इंटू आपका 45। तो 10,000 यूएस डॉलर इंटू आपका 45, मैं अभी इसको बाहर नहीं करूंगा क्योंकि ये स्टार्टिंग में था, दैट वाज 4,50,000, एंड में कितना होगा हम देख लेंगे, है ना, आप यहां लिखिए। इसके बाद मेरे बच्चे कहता है अब आपका कि 10% इंटरेस्ट था उसको बाद में, अभी तो इंटरेस्ट, अभी तो स्टार्टिंग की बात उठ रही है। हमने सेल किया है 8 लाख रुपीज का, लिखो ना यहाँ पे सेल्स, कहता है कि सब कुछ कैश पे, तो ठीक है 8 लाख रुपीज, नो डाउट कि पैसे आए होंगे कैश में ऐड हुए होंगे, कितना बाद में देख लेंगे कितना अमाउंट है, कि हमें बैलेंसिंग से निकालने कोई दिक्कत नहीं है। हमने परचेजेज किया है जी 2 परचेजेज, यहाँ पे लिखो मेरे साथ परचेजेज, और परचेज का अमाउंट आपको कितना बता रहा है ये 3,50,000, तो आप यहां लिखिए। सर क्या करा रहे हो, लिखो तो पहले। फिर कहता है इंप्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस आपका है, यानी कि यहां लिखेंगे आप एक्सपेंस है, इंप्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, बताइए इंप्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस कितना आपका हुआ है। सर ये कहता है 40,000, लिखो यहां पे 40,000। फिर डेप्रिसिएशन है जी आपका 30,000, तो मैं यहां से डेप्रिसिएशन 30 को माइनस कर देता हूं और इस 30 को यहाँ पे दिखा देते हैं एक्सपेंस ग्रुप में, डेप्रिसिएशन 30,000, यही करते हैं ना ये सर। अब इसको बाहर कर दो कोई दिक्कत नहीं, इसका काम हो चुका 470। बैलेंस ऑफ फिक्स डिपॉजिट कहता है कि 11,000 डॉलर हो गया, 11 कैसे जी, 10 था हमारे पास, तो 10,000 उसका 10% 1,000, यानी कि 1,000 आपका इंटरेस्ट का, तो पता मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट इनकम है, लिखो ना यहां पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 1,000 यूएस डॉलर, और ये एंड में मिला, एंड में रेट कहता है कि 50 हो गया, तो 50,000 रुपीज, क्योंकि ये इंटरेस्ट का पैसा उन्होंने हमारे एफडी में ही ऐड कर दिया है, मतलब इसी में, तो मैं इसी डिमांड डिपॉजिट्स में ऐड कर देता हूं इंटरेस्ट, पता है ना आपको मिला नहीं है, उन्होंने डिपॉजिट था उसी में ऐड किया कि जब ब्रेक करोगे तो उसमें सब पैसा पूरा लेना, कितना हमारा हो गया 50,000। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर। अरे अगर ये पैसा आपको कैश मिलता तो मैं कैश में मिला देता, अगर रिसीव करना बकाया होता किसी और आदमी से तो एक्रूड लिखता, लेकिन बैंक से ही लेना है, बैंक अपने डिपॉजिट उसको ऐड करता तो उसमें ऐड कर दो ना, और ये आपका रेट कितना है 1,000 × 50, क्योंकि एंड में इंटरेस्ट मिला जब रेट आपका 50 हो चुका है, ठीक है ये सर। आगे बढ़ेंगे, बस कहता प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट,
एंड में आपका जो एक्सचेंज रेट है वो 50 हो चुका है। ध्यान से मेरे बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका ट्रांजेक्शन जब पढ़ेंगे तो मैं वहां पे बताऊं, आपने पहले पढ़ा भी हुआ इसके अंदर में, कि हमें जितने भी हमारे मॉनेटरी आइटम्स होते हैं उनको हम एंड में जब बैलेंस शीट बनाते हैं आपका एंड में, तो उसको कन्वर्ट करते हैं क्लोजिंग रेट पे। सुनो मेरी बात, हमें ये जो हमारा मॉनेटरी आइटम्स है, ये आपका जो फॉरेन करेंसी में है, इसको कन्वर्ट करना होगा इंडियन करेंसी में एट द क्लोजिंग रेट। तो ध्यान देना, ये जो 10,000 यूएस डॉलर है ना, ये जब परचेज किया था तो 45 था और आज रेट क्या हो चुका 50। यानी कि यहां पे आपको एक फॉरेन एक्सचेंज गेन आपको हो रहा है। गेन कितने का जी? ये गेन हो रहा आपका कितना? ध्यान रखना, 10,000 पे 1,000 जो इंटरेस्ट मिला था वो तो हमने 50 के हिसाब से लिखा ही है, ये 10,000 जो जिसका हमने स्टार्टिंग में डिपॉजिट किया था ना, उसमें 5 पर यूनिट आपका गेन हो रहा है, यानी कि 50,000 का अमाउंट आपका है ना फॉरेन एक्सचेंज गेन। और जो फॉरेन एक्सचेंज गेन होता, हम क्या करते हैं अपने एसपीएल में फायदा दिखाते हैं, तो आपने लिखा फॉरेन एक्सचेंज गेन। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। कितने का? 50,000 है ना बच्चे। तो ये अब हमारा कितना हो जाएगा? 5,50,000 है ना। इसका मतलब कि जो 11,000 यूएस डॉलर आपके पास है डिपॉजिट्स का, इनटू 50 एंड में जो रेट है उसके हिसाब से हमने कन्वर्ट कर दिया। पढ़ा है आपने? पढ़ेंगे, आगे भी मैं बताऊंगा। इंडेक्स में आपको बोला गया कि भैया फॉरेन एक्सचेंज जो आपका फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में जो आपके पास एसेट्स लायबिलिटी होते हैं, हम उसको एंड में क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करते हैं व्हाइल कंसोलिडेशन। तो हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, अब ध्यान देंगे। पहले मैं यहां पता कर लूं हमारा क्या प्रॉफिट लॉस निकल के आ रहा है जी। देखो जरा, टू प्रॉफिट कितना बन गया, तो आपका 850 और 50 यानी कि 9 लाख। इस 9 लाख में से आप यहां पे माइनस कीजिए कितना, 420। 9 लाख में से हमने माइनस किया 420, तो ये आ जाएगा 4,80,000। ये प्रॉफिट आ गया 480। लिखो यहां पे बैलेंसिंग फिगर, और आपके बैलेंस शीट में ये आ जाएगा जी एज प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लिख देता हूं 480 का अमाउंट है ना। अब आप इसको टैली कर लो, आपका ये टैली कर जाएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैश का बैलेंस। तो ये हो गया 24,80,000। इस 24,80,000 में से आप चेक करो कितना माइनस किया, 480 और प्लस 550, ये माइनस कर दीजिए कितने में से, 24,80,000। तो ये आ गया बच्चे 14,50,000। आप चेक कर लो बैलेंसिंग फिगर। आप जब एक एक चीज को प्लस माइनस करोगे ना, जो बैंक आपका ट्रांजेक्शन में हुआ है कैश में, तो भी यही अमाउंट आएगा। कर दो प्रूफ में, चलो कर देता हूं। आप प्यारे बच्चों, इसलिए 8 लाख आया था, ये कैश में नहीं आया, डिपॉजिट में चला गया, ये भी कैश में नहीं आया। तो 8 लाख आया और कितना चला गया, 390 कैश। तो बताओ 8 में से 390 चला गया तो कितना बच गया आपका, 14। फिर 20 लाख ये आया प्लस 20 लाख, और कैश में क्या हुआ था, तो कैश में मशीन का 5 लाख चला गया माइनस 5 लाख, ठीक है, ये आ गया 1910। और डिमांड डिपॉजिट पे हमने कितना पे किया था कैश, 450, तो माइनस हो गया 450 जो हमने पे किया था। ये आ गया बच्चे आपका यहाँ पे 14,60,000। क्या गलती कर दिया मैंने, क्या गलती कर दिया, कुछ गलती कर दिया मैंने। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो दोबारा, दोबारा चेक कर लेते हैं। यही गलती किया मैंने, 1460 आना चाहिए, 2480 और 2480 में से माइनस कीजिए एक 550 है ना, और एक आपका 470। गलती यहाँ पे पता नहीं कैसे कर दिया मैंने, ये 1460 आ रहा है, मतलब दोनों तरफ से मैच हो गया आपका, ठीक है ना। ना हमें कैश फ्लो बनाना है, और इस फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का जो इम्पैक्ट होगा हमारे कैश फ्लो में, एक्चुअली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना, फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन आपका ये जो गेन हो रहा है उसका क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूं। सुनिए बहुत ध्यान से मेरी बात, मैं स्टार्ट करता हूं। पहले मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं मेरे बच्चे, है ना, क्योंकि कुछ मेथड ना बताए तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट को फॉलो करते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड भी आपका है। एक्चुअली मैंने एक बार रिकॉर्ड किया था लेकिन वो कैमरा पता नहीं कैसे बदमाशी कर गया। खैर, एनीवे, लिखो कैश सेल्स।
कैश सेल्स करके हमारे पास कितने रुपए आ गए? प्लस 8 लाख, ठीक है ना। परचेज किया तो कैश परचेज, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बता नहीं रहा है, तो कैश परचेजेज में आपका 350 चला गया, है ना। जो नेटी कॉम्प था ना, वही था कि जितने भी सेल्स हैं इकट्ठा करके दिखा सकते हो, जितने परचेज किया उसको इकट्ठा करके दिखा सकते हो, जितने भी इम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट है जो बार बार होते हैं ना, उनको इकट्ठा करके हम दिखा सकते हैं। बेनिफिट एक्सपेंसेज आपके हैं, उन सबको इकट्ठा करके हमने यहाँ पे 40,000 पे किया है, उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। डेप्रिसिएशन से कोई पेमेंट होता नहीं है, छोड़ दो। हमने ध्यान देना, यहाँ पे इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट मेरे बच्चे, इंटरेस्ट जो कमाया ना वो आपका यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले मेरी बात सुनना। आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जरा मुझे बताओ आपके पास कितना है एंड में, एंड में कितना है। तो ये भी आपका कैश ही तो है और ये भी आपका क्या है, कैश ही है, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डिमांड डिपॉजिट्स भी याद कीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट था, है ना बच्चे। तो 14,60,000 एक तो आपका ये हो गया कैश, और आपका ये कितना अमाउंट हो गया एंड में जी, 5,50,000, यानी कि टोटल कितना हो गया, 20,10,000। ये हमारे पास एंड में है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कोई डाउट नहीं सर, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने जो इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट डिपॉजिट्स पे, ये कौन सी एक्टिविटी, तो इंटरेस्ट कमाना तो हमारा कौन सा है जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। याद कीजिए इंटरेस्ट जो आपने कमाया डिपॉजिट्स पे वो क्या हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, है ना, वो हमारा ऑपरेशन तो नहीं है। तो आपने क्या किया, यहां लिखा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कितना कमाया 50,000, तो ये आपका प्लस 50,000, है ना। ये पैसा कहाँ है, तो हमारे इसमें मिला हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, दोनों वही तो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अब फॉरेन एक्सचेंज गेन, क्या इससे कोई कैश आया आपके पास, बताओ जरा, फॉरेन एक्सचेंज गेन जो आपका हुआ क्या कोई कैश आया? नहीं सर, ये कैश नहीं आया। क्यों? ये जो 50,000 का आपका गेन हुआ ना बच्चे, ये अनरियलाइज्ड गेन है, अनरियलाइज्ड गेन, अभी ये आपके पास आया नहीं है। ये तो जो आपका रिवेल्यूशन हुआ 45 के हिसाब से पेमेंट किया था, उसकी वैल्यू बढ़ के आपका 50 हो गया, तो हमने 5 रुपए पर अपना डॉलर बढ़ा दिया, बट अभी पैसा थोड़े हमारे पास आया, जब हम इस डिपॉजिट को तोड़ेंगे तब पैसा आएगा ना, समझे मेरी बात। तो उस केस में हमने क्या किया, उसको कहीं नहीं दिखाया, ठीक है। आगे बताइए, इक्विटी शेयर्स इशू किया, यहां लिखो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना 20 लाख रुपए। सर वो इंटरेस्ट वाला, फिर वो तो आया इंटरेस्ट जो मेरे बढ़ा ना बच्चे, आपका जो $10,000 था बढ़ के 11,000 हो गया, वो तो आया है, और आना किस रेट से, 50 के रेट से, तो वो तो मैं दिखाऊंगा, वो तो हमारा है। अच्छा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया, उसके बाद बताइए आगे, मशीन परचेज किया था, यहां लिखो इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ मशीन, है ना, परचेज ऑफ मशीन कितना चला गया आपका 5 लाख, 5 लाख रुपए गए थे ये 5 लाख रुपए। और कुछ इससे कोई कैश माना जाना नहीं हुआ, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट हो गया, ये भी कैश ही हो गया, बस खत्म हो गई बात। चेक करो जरा हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन में कितना कैश निकल के आया, ए 8-390 यानी कि 4,10,000 प्लस, जरा बताओ बी हमारा कितना बन गया यहाँ पे, 50 + -5 तो -4,50,000, ठीक है ना। और सी हमारा यहाँ पे कितना बन गया जी आपका +20 लाख रुपए, कोई डाउट नहीं सर, जल्दी बताओ कि आपका नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना निकल के आ गया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो 410 प्लस ये हो गया 2410, ऐसे देख लो ना, ये आ गया 40 माइनस में तो 19,60,000 कितना आ गया हमारा, ये 19,60,000। इसमें ऐड कीजिए आप, यहां पे ऐड कीजिए ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना ओपनिंग है जी, नील, पहले कुछ था नहीं, तो मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बताओ क्लोजिंग कैश कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया? 19,60,000। ओहो, अब आपको परेशानी समझना होगा इंड एस सेवन क्या बोलना चाहता है कि जब हमने कैश फ्लो बनाया तो कैश फ्लो में 19,60,000 हमारा क्लोजिंग कैश कैश इक्विवेलेंट निकल के आया, लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट में देखूं तो कैश ने कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया? 20,10,000। क्यों फर्क आया? फर्क आना लाजमी था। अरे इसलिए आया क्योंकि आपने जो फॉरेन एक्सचेंज गेन है इट्स ए अनरियलाइज गेन, जो कि अभी हमारे पास पैसे आए नहीं है, है ना। ये तो सिर्फ हमने रिवोल्यूशन किया, जो 45 था उबर के 50 के हिसाब से हो गया, तो वो हमने क्या देखा, हमने आपका प्रॉफिट लॉस में उसको बढ़ाया, है ना, उसके कोरस्पोंडिंग हमने यहां पे बढ़ाया, लेकिन इस 50 को यहां कहीं पर भी हमने कैश नहीं माना। देख रहे हो आप, यहां पे मान भी नहीं सकता यहां पे कैश, तो पक्का है कि इसमें और इसमें डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो पता है इंडेस 7 क्या बोलता है? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अंदर में इंडेस 7 कहता है कि देखो जी, कैश फ्लो बनाने के बाद आपको फिर क्या करना है, एक यहां पे आपको रिकॉन्सिलेशन, मतलब कैश फ्लो के बाद में, अब जगह नहीं है, आप इसके बाद यही बना लेना, एक रिकॉन्सिलेशन आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स के लिए, उनको बताना होगा कि देखो जी, ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट जो निकल के आया एट एंड एज पर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, एज पर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये जो अमाउंट निकल के आया कितना जी? 19,60,000। इसके बाद एक आपका फॉरेन एक्सचेंज गेन भी है, गेन जो अनरियलाइज्ड है, इट्स अनरियलाइज्ड, अभी हमारे पास पैसे आए नहीं है, बस सिर्फ वैल्यू जो बढ़ा ना बच्चे उसके हिसाब से अनरियलाइज गेन आपका हुआ है फॉरेन एक्सचेंज पे, और वो उसके चलते इसकी वैल्यू और 50,000 से बढ़ गई है, है ना बच्चे। ये जो आपका बढ़ा ना, उसको बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में तो हमारा इतना अमाउंट था, लेकिन जो 50,000 से गेन हुआ, ये जो गेन हुआ है ना, ये जो आपका बैलेंस शीट वाला जो कैश फ्लो दिख रहा है आपका, सॉरी कैश एंड कैश उसमें जो मिला हुआ है वो हम बताएंगे, और फिर आप बोलेंगे कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है, इक्विवेलेंट एज पर बैलेंस शीट वो कितना दिख रहा होगा? 20,10,000। मेरे बच्चे ये आपको बताना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को, प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ना। आप मजबूरी समझना, ये पैसे कहीं से आए नहीं है, कहीं गए नहीं है, इसलिए आप इसको यहां पे नहीं दिखा सकते जी, नहीं दिखा सकते, लेकिन ना दिखाओ तो इन दोनों में आपका डिफरेंसेज क्रिएट होगा। इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए आपको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बताना पड़ेगा कि हमने कैश फ्लो का भी सही काम किया है, बैलेंस शीट भी, क्योंकि बैलेंस शीट में जो रूल है उसके हिसाब से बैलेंस शीट बना हुआ है, कैश फ्लो में तो जो कैश आया गया वही हुआ, हाँ जो डिफरेंसेज वो इसके चक्कर में है ना, गेन है तो हमने प्लस किया, लॉस होगा तो नो डाउट कि माइनस हो जाएगा, ये काम करना है। आई बात समझ में? इट्स ए रिक्वायरमेंट ऑफ इंडेस 7। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लो, एक क्वेश्चन और करा के आज की क्लास खत्म करूं, फिर अगली क्लास इस चैप्टर को, इस इंडेस को खत्म करेंगे। इसी से जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन आपका 6th है। ओह, बहुत बोलना होता आपके लिए। ये क्वेश्चन मैंने खास बनाया ताकि आपको समझ में आए। अच्छा मैं पढ़ दूं ना वो पहले, ताकि एग्जाम है तो आप इसको लिख पाए ठीक से। पढ़ो ना एक बार इसकी थ्योरी ऊपर में क्या था, पढ़ेंगे 5 के ऊपर में, फॉरेन करेंसी कैश फ्लो के अंदर में। अब देखो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ऐसे पहले बताता तो नहीं समझ में आती। पढ़ेंगे आप, कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन इन ए फॉरेन करेंसी शैल बी रिकॉर्डेड इन एन एंटिटी फंक्शनल करेंसी बाई अप्लाइंग टू द फॉरेन करेंसी अमाउंट द एक्सचेंज रेट बिटवीन द फंक्शनल करेंसी एंड फॉरेन करेंसी एट द डेट ऑफ कैश फ्लो। सर ये क्या? देखो A7 में एक था रिपोर्टिंग करेंसी, आपका उसमें A3 के अंदर में जब पढ़ेंगे या इंडेस या फिर A11 देखेंगे तो वहां पे रिपोर्टिंग करेंसी वर्ड होता था बच्चे। रिपोर्टिंग करेंसी यानी कि जिस कंट्री में आप रिपोर्ट कर रहे हो वहां की करेंसी, मतलब इंडियन करेंसी,
वो यहाँ पे कहा जाता है फंक्शनल करेंसी, इंडेक्स 7 ने उसको फंक्शनल करेंसी नाम दिया हुआ है, जिस करेंसी में हम फंक्शन कर रहे हैं, मतलब जिसमें रिपोर्ट कर रहे हैं, मीनिंग सेम है आपका। तो एक डिफरेंस और इंडेक्स 7 और इंडेक्स आपका AS3 में है, AS3 में देयर इज वर्ड रिपोर्टिंग करेंसी और यहाँ पे क्या है फंक्शनल करेंसी। बात समझ में आ गई, वहां पे भी ये काम करना पड़ता है आपका A7 A3 के अंदर में भी ये काम करना पड़ता है। वहां पे मैंने आपको शायद क्वेश्चन कराते समय बताया था कि आप क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर देना, ऐड का मतलब कि ये अब प्रेजेंटेशन पे हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे क्या बता रहा है, कहता है क्वेश्चन के अंदर में, फिर से पढ़ना, कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन इन फॉरन करेंसी, जो फॉरन करेंसी में ट्रांजेक्शन अराइज हुआ है, shall be recorded in the entity functional currency by applying foreign currency amount the exchange rate between the functional and foreign currency, exchange rate क्या हो गया ये आपका 45 plus 50 आपका हो गया, तो उसके हिसाब से record किया जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ना, कैश फ्लो ऑफ ए फॉरेन सब्सिडरी शैल बी ट्रांसलेटेड एट द एक्सचेंज रेट बिटवीन द फंक्शनल, उसी तरीके से कोई फॉरेन कंट्री में सब्सिडरी है तो उनका जब कैश फ्लो को कंसोलिडेट किया जाएगा तो एक एक आइटम को पहले फंक्शनल यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा, जो उससे कैश से जुड़ी बातें उसके बाद कंसोलिडेट किया जाएगा। और इस प्रोसेस में आगे पढ़ना, अनरियलाइज गेन एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन फॉरेन करेंसी, अनरियलाइज गेन ये देखो आपका ये जो निकल के आया है ना, कहता है आर नॉट द कैश फ्लो, ये कैश फ्लो नहीं है क्योंकि पैसे कहीं से थोड़े आए गए हैं, हाउएवर द इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट चेंजेस ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हेल्ड और ड्यू इन अ फॉरेन करेंसी इज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन ऑर्डर टू रिकॉन्साइल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग एंड द एंड, द अमाउंट इज प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम द कैश फ्लो from operating, investing and financing activity and includes the differences in if any had those been had those cash flow been reported at the end of period exchange rate आपका, at the end of period exchange rate मतलब उसको आपको end में report करना पड़ेगा, इस तरीके से उसको बताना होगा। दोबारा पढ़ लो एक बार अच्छा लगेगा, unrealized gain and loss arising from changes in foreign currency exchange rate are not cash flow, however the effect of exchange rate changes on cash and cash equivalent held or due in a foreign currency is reported in the statement of cash flow in order to reconcile cash and cash equivalent at the beginning at the end, ye reconcile karne ke liye hum usko use karte hain, this amount is presented separately from the cash flow from operating investing and financing and includes the difference if any हेड दोज बिन, अगर कोई ऐसा होता है तो हम उसको आपका किसी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, अलग से उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हो चुका है इसमें, आप जरा आइए इसी से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखेंगे यहाँ पे क्या बता रहा है, एन एंटिटी हैज बैंक बैलेंस इन फॉरेन करेंसी एग्रीगेटिंग $100 जो कि इक्विवेलेंट टू 4500 है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, प्री एज्यूमिंग नो अदर ट्रांजेक्शन टेक प्लेस द एंटिटी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 100, एक प्रॉफिट भी आपको हुआ है 100 रुपये का ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज गेन, कैसे इस 45 रुपये का जो था ना आपका उस पर आपको 100 रुपये का गेन हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर, वट वुड बी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर द बैलेंस शीट। देखो ना इसका सोल्यूशन में ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी में ICMI से मैंने निकाला हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ कैश फ्लो क्या करेंगे जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपये हो गया, मतलब ये इनडायरेक्ट मेथड से बताया जा रहा है, इसमें अनरियलाइज गेन को आपने हटा दिया क्योंकि दैट इज नॉट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 100, फिर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कुछ भी नहीं रहा, तो नेट इंक्रीज जो आपका हुआ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नील रहा, ओपनिंग कैश आपने ऐड किया 45 तो क्लोजिंग यानी कि 45 के बराबर हो गया। इसके बाद रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कैश बैलेंस जो है एज पर कैश फ्लो 4500 ये हमने लिखा इसके बराबर, अनरियलाइज गेन ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब आपका फॉरन एक्सचेंज वाला 100 तो एंड के बराबर यानी कि जो बैलेंस शीट में उसके बराबर आ जाए, वही काम कर रहा है। आई बात समझ में, ये सर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, बस खत्म करने वाला आज की क्लास, ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है, तो आप जरा चेक करेंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, आपको पता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आप या तो पे करोगे या रिसीव करोगे, अगर इंटरेस्ट डिविडेंड आप पे कर रहे हैं तो पे करने का मतलब क्या, मैंने मिटा दिया, पे करने का मतलब क्या जी, कौन सी एक्टिविटी है पे किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में
है ना बच्चे। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा, इंटरेस्ट पे करना आपका, डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, अगर ये आपका फाइनेंसिंग कंपनी है, इंटरेस्ट पे करना आपका क्या है जी, अगर ये फाइनेंसिंग कंपनी, चलो आज थक गया मैं, खत्म करता हूं। तो रिकॉन्सेशन स्टेटमेंट देखो जरा, वही बता रहा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना जी, 45, ये ओपनिंग बैलेंस कैश फ्लो के मुताबिक हो गया। अनरियलाइज्ड गेन जो आपका है, मतलब जो आपका फॉरेन एक्सचेंज गेन निकल गया उसको अपने ऐड किया, यहाँ पे 100 है और क्लोजिंग जो बैलेंस शीट में उसके बराबर हो गया। आई बात समझ में? ये सर चलिए आज मेरे बच्चे टॉपिक को हम यहीं रखते हैं, अभी कुछ और अच्छी अच्छी बात इसमें करनी है, कुछ और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे ताकि हम बहुत अच्छी तरीके से इस पर बैठ जाएं और फिर एग्जाम में हमेशा के लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील करें। चलिए आपने क्या करना है, जितना आज पढ़ाया उसका प्रॉपर रिविजन कर लेंगे, अगली क्लास में इसके आगे का मैं कंटिन्यू करूंगा। तब तक आप सारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।